نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام, فضلاء عظام, مکرم اساتذہ جامعہ اور عزیز طلباء و طالبات, اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے آج ہم قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی امہات الکتب کی روشنی میں مقام محمود کا بیان کریں گے کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے. قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جو سورہ اسراء میں آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79, یہ دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں, ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس خاص منصب جلیلہ کا, جسے مقام محمود کا عنوان, قرآنی عنوان دیا گیا ہے, اس کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے ڈھل جانے تک نماز قائم کیجئے اور پھر عین فجر کے وقت قرآن پڑھیے, کیونکہ وہ خصوصی حاضری کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کی تلاوت قرآن نماز فجر میں ملائکہ کی خصوصی اجتماعی حاضری کا وقت ہوتا ہے. اس پہلی آیہ کریمہ میں ائمہ تفسیر کے نزدیک پانچوں نمازوں کا صراحتاً اور اشارتاً ذکر ہے, نماز ظہر سے نماز عصر, دلوک الشمس میں, اور غسق اللیل کے تحت نماز مغرب اور نماز عشاء, اور قرآن الفجر سے مراد نماز فجر اور اس میں تلاوت قرآن. تو گویا بعض نمازوں کا صراحتاً اور بعض کا اشارتاً ذکر ہے. اس طرح یہ وہ آیہ کریمہ ہے ان قرآن مجید کی بعض آیات مبارکہ میں سے جن میں ایک ہی مقام پر پانچوں نمازوں کا ذکر ملتا ہے یا اشارہ ملتا ہے یا دلالت ملتی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ ملائکہ نماز فجر میں
रात के मलाइका भी जमा होते हैं जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके बारी ताला के हुजूर आसमानों की तरफ वापस लौट रहे होते हैं, और सुबह जो मलाइका पहुँचते हैं अल्लाह के बंदों में, उनके साथ अज़कार की मजालिस में, नमाज की मजालिस में, इबादात की मजालिस में, ताआत की मजालिस में, दरूद व सलाम की मजालिस में, ज़िक्र इलाही और इबादत इलाही की मजालिस में जो उनके साथ शरीक रहते हैं, तो वो सुबह जो मलाइका उतरते हैं वो भी उस नमाज में शरीक हो जाते हैं, और रात भर रहने वाले जिनकी सुबह के वक्त वापसी होती है वो भी नमाज फजर में शरीक होते हैं। तो ये दोहरी हाज़िरी हो जाती है इज्तिमाई मलाइका की। इस वजह से इसको इन्ना कुरान अल-फज्र काना मशहूदा के लफ्ज़ के साथ ताबीर किया है। अब चूँकि आज की गुफ्तगू का मौजू दुलूक शम्स पर गुफ्तगू करना और गसाकुल लैल पर गुफ्तगू करना आज का मौजू नहीं है, हमारी गुफ्तगू इससे अगली दूसरी आयत पर है और वो मकाम महमूद के माना पर है, इसलिए मैं पहली आयत की तफसीर में इस वक्त नहीं जा रहा। मगर एक बात चूँकि मैंने कह दी, ये ज़हन नशीन कर लें कि हुशैम मुग़ीरा से रिवायत करते हैं और वो इमाम शाबी से और वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से। ये जो मैंने कहा कि इससे मुराद नमाज ज़ुहर का बयान है, यहाँ से शुरू कर जाता है, तो उन्होंने इसका माना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ज़वाल शम्स का लिया। इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी रिवायत इसी तरह की है, जिसे ज़ुहरी ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से भी रिवायत किया, और मुजाहिद से भी यही कौल मरवी है, और हज़रत हसन बसरी से भी ये कौल मरवी है, और हज़रत दहाक से भी ये कौल मरवी है, और इमाम मुहम्मद अल-बाकिर अलैहिस्सलाम उनसे भी ये कौल मरवी है, और हज़रत क़तादा से भी ये कौल मरवी है। इमाम इब्ने जरीर ने इन तमाम अक़वाल और रिवायात को जमा किया है तफसीर तबरी में, और हाफिज़ इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में, और ये तफसीर इब्ने कसीर इस वक्त मेरे सामने है, उन्होंने फिर इन रिवायात को एक नज़्म के साथ बयान किया है। अब हम असल मौजू की तरफ आ रहे हैं, और ये जो बात मैंने कही कि मलाइकतुल लैल और मलाइकतुन नहार, रात के फरिश्ते और सुबह के दिन के फरिश्ते, दोनों फजर की नमाज में कुरान की तिलावत में शरीक होते हैं, और ये दोहरी और बड़ी हाज़िरी का वक्त होता है। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया हज़रत अमश से, उन्होंने इब्राहीम अन्नखई से, उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इसी तरह मरवी है जो बात मैंने आपको कह दी कि रात, इससे ये बात साबित हुई हदीस सही से और बहुत सी अहादीस नबवी से कि ला तदाद मलाइका इसी अमर पे मुतय्यन हैं कि ज़मीन पर वो अल्लाह के इबादत गुजार बंदों के साथ रहते हैं और उनकी माइयत में रहते हैं और उनके हलाकात ज़िक्र में, ये सही बुखारी में, मुस्लिम, तिरमज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, पूरी सियासत्ता की किताबें और दीगर कुतुब हदीस कसरत के साथ इस बात पर शाहिद आदिल हैं। वो ये कि अज़कार की मजालिस में उनका शरीक होना और हुजूर पर दुरूद व सलाम की मजालिस में उन पर शरीक होना, इबादात और नमाजों के औकात में उनके साथ शरीक होना, फिर उनका वापस जाना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का माला आला में उनसे पूछना कहाँ से आए हो, और फरिश्तों का बताना कि बारी ताला तेरे मकबूल मुकर्रब नेक बंदों की मजलिस से आए हैं, ये सब कुछ साबित है अहादीस सहिया से, मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस और रिवायात।
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल करते हैं कि जब तुम आए तो वो क्या गए थे, तो क्या कर रहे थे, आए थे तो क्या कर रहे थे? अपने बंदों की अहवाल तलबी, अहवाल पूछते हैं अल्लाह तबारक व तआला। वह आलम, हालांकि हदीस पाक में आता है बुखारी मुस्लिम में कि वो फरिश्तों से भी ज़्यादा जानता है, और सबसे ज़्यादा तो वो ख़ुद ही जानता है कि उसके बंदे क्या कर रहे थे। मगर वो ये सवाल मलाइका की मजलिस में माला आला पर करके अपने मकबूल मुकर्रब और सालेह बंदों की कद्र मंजिलत और उनकी रिफ़त और उनकी शान को उजागर और नुमाया करता है। इस तरह उसका इजहार फरमाता है उनकी अजमत का मलाइका के सामने, उनके मुँह से उसका इजहार करवाता है। और फिर एक हदीस में आता है वो भी सही बुखारी में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन पर मुबाहात फरमाता और फरमाता, देखा तुमने मेरे बंदों को, मेरे साले बंदे, मुकर्रब बंदे, मेरे वली, मेरे दोस्त, उनको कैसा पाया। तो इस तरह उन्हीं अहादीस में से और उसी मजमून में से ये मजमून भी है, और यही मजमून जामे तिरमजी में भी है जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया, सुनन निसाई में भी है, इब्ने माजा में भी है, और बुखारी और मुस्लिम में भी यही है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्निन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यताक़बून फ़ीकुम मलाइकतुन बिललैल व मलाइकतुन बिन्नहार व यजतमिऊन फ़ी सलातिस सुबह व सलातिल असर। जो मलाइका रात की ड्यूटी के लिए आते हैं, यानी ये बात बता इसलिए रहा हूँ कि मलाइका आज भी ज़मीन पर उतरते हैं और हर रोज़ उतरते हैं, और लाखों अल्लाह के मुकर्रब बंदों और औलिया और सालेहीन की मैयत और उनकी सोबत और मजलिस में उठते बैठते चलते फिरते उनकी संगत में रहते हैं। और मलाइका का अल्लाह के मुकर्रब बंदों के साथ इंटरेक्शन रहता है। कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है, सूरतुल कद्र में लैलतुल कद्र के लिए कि वो सारी रात उतरते रहते हैं, मतलाए फज्र तक उतरते रहते हैं। तो ये वो मजमून है जिस पर सैकड़ों की तादाद में अहादीस नबवी अहादीस सैया साबित, बल्कि यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम से ये बाय द वे, चूँकि पहली आयत तिलावत की तो मैंने चाहा बराह रास्त दूसरी आयत के असल मजमून की तरफ आने से कबल बेहतर है कि थोड़ा इस आयत पर बयान हो जाए ताकि इसका मजमून तर्क न हो, नज़रअंदाज न हो जाए। इन्ना कुरान अल-फज्र काना मशहूदा, आगे आएगा मकाम महमूदा। तो मैंने कहा कि महमूदा की बात से पहले ज़रा मशहूदा की बात कर लें, मकाम महमूद से पहले थोड़ा मकाम मशहूद की बात कर लें। मकाम महमूद तो ख़ास है सिर्फ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए, जो आगे आयत करीमा में आ रहा है, वो तो किसी और नबी के लिए भी नहीं। मकाम महमूद वल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता किया, मगर मकाम मशहूद अल्लाह के जमी औलिया और इबाद सालेहीन के लिए ख़ास है। अभी एक टर्म वज़ा हुई, मकाम महमूद और ये मकाम मशहूद। इन कुरान अल-फज्र काना मशहूदा, कि वो रात और दिन के फरिश्तों की दोनों टोलियां, दोनों जमातें और दोनों गरोह नमाज फज्र में जमा होते हैं, उनकी हाजिरी होती है, और वो गोया इस कुरान की बड़ी गवाही और शहादत हो जाती है जो सुबह नमाज फज्र में कुरान पढ़ा जाता है। मगर सवाल ये पैदा हुआ कि वो जो हाजिरी होती है वो मैयत और संगत किसको मिली, वो अल्लाह के बंदों के साथ जमा होते हैं सफ़ों में। तो मलाइका अल्लाह के बंदों के साथ जमा होते हैं। और सही मुस्लिम में एक हदीस ये भी आती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दीगर सहाबा को एक सवाल के जवाब में, जब वो ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी मजलिस में और आपकी हुजूरी में और आपकी कचहरी में और आपकी बारगाह में बैठे होते हैं और आपको तकते हैं और आपकी ज़ुबान मुबारक से
آخرت کے احوال اور جنت و دوزخ کے واقعات سنتے ہیں تو اس وقت آپ کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہمارے دل کی حضوری کا بھی عالم یہ ہو جاتا ہے, آپ کی حضوری میں ہمارے حضور قلب اور شہود قلب اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے, یعنی ہمارے قلب کی جو مشاہداتی کیفیت ہے, وجدانی کیفیت ہے, ذوقی کیفیت ہے, وہ یہ ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے ہم بھی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور احوال آخرت کو تک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, گویا ہم اس حالت مشاہدہ میں چلے جاتے ہیں, یہ حالت مکاشفہ میں چلے جاتے ہیں. مگر جب آپ کی حضوری سے اٹھ جاتے ہیں, آپ کی مجلس سے, بارگاہ سے, گھروں میں جاتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کاروبار دنیا میں, رزق میں, دنیا کے گورکھ دھندے اور ضروریات دنیا اور معاملات دنیا میں مصروف ہوتے ہیں, تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. یہ ایک سوال لے کے صحابی حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے پھر اس کیفیت کو نفاق پر محمول کیا, حضرت حنزلہ محمول کیا کہ شاید حنزلہ منافق ہو گیا, یہ مجھے نفاق کی کیفیت ہو گئی ہے کہ میری کیفیت میں وہ دوام نہیں رہا, استمرار نہیں رہا, استقرار نہیں رہا, وہ کیفیت ہمہ وقت برقرار نہیں رہتی, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, تغیر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور انہوں نے کہا کہ چلو پھر یہ ماجرا آقا کی بارگاہ میں ہی پیش کر دیتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے بات سن کے انہیں جواب دیا, نہیں, ایمان کی کیفیت ایسے ہی ہے, کبھی ایسے ہوتا ہے, کبھی ایسے ہوتا ہے, یعنی اس کے احوال میں یہ تغیر اور اپس اینڈ ڈاؤنز اور اعلیٰ اور ادنا درجے اور کیفیات آتی رہتی. اس مقام پر آقا علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ اگر تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ جو کچھ تم میری مجلس میں بیٹھے ہوئے محسوس کرتے ہو, اگر تمہاری وجدانی مکاشفاتی اور مشاہداتی کیفیت, قلب اور باطن اور روح کی واردات کی کیفیت, تمہاری واردات وہی رہیں یہاں سے اٹھ کے چلے جانے کے بعد بھی جو کی توں برقرار رہیں, اگر تمہاری حالت میں یوں قرار آ جائے اور یہ بجائے حال کے مقام بن جائے, تو پھر تمہیں یہ درجہ مل جائے کہ تم جب گلی کوچہ اور بازار میں چلو تو دائیں بائیں تمہارے راستوں پر ملائکہ قطار اندر قطار کھڑے ہوں, تمہاری زیارت بھی کریں اور تم سے مسافہ بھی کریں. تو اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی, اس لیے تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت قرار پکڑ جائے تو پھر تمہیں یہ درجہ مل جائے. یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جن کو اس کیفیت میں قرار اور استمرار اور تمکن نصیب ہو جاتا ہے تو پھر ملائکہ چلتے پھرتے بھی ان کی زیارت کرتے اور ان سے مصافحہ کرتے, اور یہ کیفیت, وہ پھر جو عباد ہیں وہ عباد, ان کی جو زندگیاں مشہود ہو جاتی ہیں, ان کی حیات حیات مشہودہ ہو جاتی ہے, ان کی مجلس مجلس مشہود ہو جاتی ہے, ان کے حلقات حلقات مشہودہ ہو جاتے ہیں, جن مجالس میں بیٹھتے عبادت کرتے ذکر اذکار کرتے ہیں وہ بھی ملائکہ کی حاضری کی مجالس بن جاتی ہیں. اور کثرت کے ساتھ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث آئی ہیں کہ ملائکہ جمع ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو تلاش میں رہتے ہیں اللہ کے بندوں کی اور مجالس ذکر کی اور اہل ذکر کی اور اللہ کے ذاکر اور اللہ کے ذکر میں شاغل بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں. یلتمسون مجالس الذکر, طرق میں راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مجلسیں تلاش کرتے رہتے ہیں. تو اہل اللہ کی اور اہل ذکر کی مجلسیں تلاش کرنا ملائکہ کی سنت ہے, ملائکہ رات دن یہ کام کرتے ہیں, اور جب کوئی مجلس مل جاتی ہے تو وہ سارے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں, آ جاؤ, وہ مراد مل گئی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے, یہ اللہ والوں کی مجلس مل گئی, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے اطاعت گزار بندے بیٹھے ہیں, ذاکر بندے بیٹھے ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے بندے بیٹھے ہیں. پھر وہ سارے ملائکہ جمع ہوتے ہیں, اور حدیث پاک میں ہے کہ پھر وہ
इस तरह जमा होते हैं तह दर तह कि उनके सरों से मजलिस से लेकर आसमान दुनिया तक सारी फिजा भी मलाइका के साथ मामूर हो जाती भर जाती। इतने मलाइका उस एक मजलिस से जिक्र व इबादत पे जमा हो जाते। ये सब मैं मशहूद की तफसीर कर रहा हूँ कि मलाइका के ज़रिए मलाइका की हाज़री, मलाइका का शहूद, मलाइका का मौजूद होना अल्लाह के बंदों के साथ उनकी मजलिसों में, ये कुरान और हदीस से कतई तौर पर, यकीनी तौर पर, बग़ैर शक व शुबा के साबित है। और जो लोग जिनकी जो इसका इनकार करते हैं उनकी या उन मुताला नहीं है या इल्म नहीं है या उनकी समझ में कोई नक्स है, तो फिर ये मजालिस जो मजालिस मशहूद हो जाती वो फिर बड़ी बाबरकत भी हो जाती, बड़ी बाबरकत भी हो जाती। ये भी सही बुखारी में और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि जब अहले ज़िक्र की मजलिस से मलाइका वापस लौटते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनसे अहवाल पूछते हैं कि वो क्या ज़िक्र कर रहे थे, तो वो बताते हैं बारी ताला आपका तेरा ज़िक्र कर रहे थे। तो बारी ताला मलाइका की मजलिस में पूछता है कि क्या उन्होंने मुझे देखा है, तो फरिश्ते कहते हैं बारी ताला तेरा जलवा तो नहीं नसीब हुआ उनको, वो तो अभी नहीं देखा। तो बारी ताला उनसे इरशाद फरमाता है जब देखे बग़ैर मेरे शौक और मोहब्बत का आलम उनके दिलों में ये है तो मुझे तक लेते तो क्या आलम होता। अब ये सब कुछ हो तो अर्श मुअल्ला पे रहा है, ऊपर माला आला पे मजलिस अल्लाह के हुजूर मलाइका जमा है, वहीं मुकालमा हो रहा है, वहीं मुजाकरा, वहीं सवाल और जवाब, वहीं की बातें हो रही हैं। तो कुरान में तो नहीं आया ये, बरसबील तज़किरा ये नुक्ता भी समझा दो। बाज़ लोग ये समझते हैं कि नबी का इल्म सिर्फ कुरान तक महदूद होता है, तो इनमें से कोई बात भी, ये जो सारी मजालिस का जिक्र मैंने किया ये बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी अबू दाऊद में है, कुरान मजीद में तो नहीं है। ये किसने बताया है कि ये सारा मुकालमा होता है वहाँ? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो गोया कुरान वो इल्म है जो जबरील अमीन ले के उतरते और कुरान की शक्ल में उम्मत को पहुँचता। तो जो कुरान में नहीं, तो पता चला कि कुरान के अलावा भी हुजूर के सोर्सेज हैं इल्म के, कुरान मजीद के अलावा भी आपके ज़राए और वसाइल हैं इल्म के। और अल्लाह तबारक व ताला पैकर नबुव्वत के लिए पाबंद नहीं है कि वो सिर्फ़ बज़रिया जिब्राइल अमीन ही मालूमात और इल्म के ख़जाने पहुँचाए, नहीं, जो जिब्राइल अमीन के ज़रिए आता है वो तो कुरान बन जाता है। और अलावा कुरान के जो कुछ हदीस में है जिसका ज़िक्र कुरान में न था, वो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने या बराह रास्त इल्म अता किया है या पर्दे उठा रखे हैं अर्श मुअल्ला और फौकल अर्श से लेकर तहत सरा तक, और आका अलैहिस्सलाम सारी कायनात पस्तो बाला का खुद मुशाहदा फरमाते रहते हैं। यह वो मुशाहदा है, यह वो मुकाशमा है, मुकाशफा है, या एलाम है। हर सूरत, हर सूरत में अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी को जिब्राइल अमीन के अलावा और कुरान मजीद के अलावा भी इल्म हमेशा देते रहते हैं। तो हुजूर के ज़राए इल्म वसी हैं, वो सिर्फ कुरान की सूरत में जो इल्म उतरता है वहाँ तक महदूद नहीं है। तो उसमें फिर ये बात जो मैंने कही, जिस पे अब एंड करना चाहता हूँ, पहली आया करीमा का बयान कि मकाम महमूद की बरकतें और फजीलतें क्या होंगी। मगर ऊपर की आयत में चूँकि मशहूद का ज़िक्र है, तो मुझे यूँ लगता है कि मशहूद के अंदर भी जो फैज़ है वो उसी मकाम महमूद का है, इसलिए दोनों को जोड़ा है, इसलिए दोनों का बयान जोड़ा गया है कि नबी को ख़ास किया मकाम महमूद के साथ और हुजूर की उम्मत के जो हुजूर के मुत्तबईन हैं, ग़ुलाम हैं और औलिया कामिलीन और इबाद सालहीन हैं, उनको मकाम महमूद का जो फैज़ दिया तो उस फैज़ के ज़रिए उनके मकाम को मकाम मशहूद बना दिया। तो फिर जिस तरह साहिब मकाम महमूद के ज़रिए बख्शिश होगी, जिस तरह साहिब मकाम महमूद के ज़रिए बख्शिश होगी, जिस पर हम तफसीली गुफ्तगू
मकाम महमूद की शरह में करेंगे और तफसीर में करेंगे। इसी तरह होना चाहिए, अगर मकाम मशहूद मकाम महमूद का फैज़ है और उसी का अक्स है आका की उम्मत के लिए, तो फिर असहाब मकाम मशहूद के ज़रिए भी बख्शिशें होनी चाहिए, अहले मकाम मशहूद के ज़रिए भी बख्शिशें होनी चाहिए, उनके ज़रिए भी शफ़ातें होनी चाहिए। और ये साबित है वही हदीस जो मैंने दरमियान में बात रोकी, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क अलैह, बल्कि पूरी सियासत्ता की छः किताबों में मौजूद। और जब बुखारी मुस्लिम में मुत्तफ़क अलैह हदीस आए तो इसके ऊपर आइम्मा हदीस में और अहले फ़न में एक बहस हुई है, मौजू से हटकर है मगर एक इल्मी नुक्ता बता दूँ, इस पर बहस हुई है और आइम्मा के नज़दीक आइम्मा हदीस के नज़दीक कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में जो हदीस मुत्तफ़क अलैह हो जाए तो उससे जो इल्म हासिल होता है क्या वो इल्म कतई है या जन्नी। मेरी बात आप समझे हैं ना, इल्म कतई यानी शरण हुज्जत है और उसका इनकार कुफ्र बन जाए, क्या वो इल्म कतई है या नहीं। तो बाज़ आइम्मा ने इसको इल्म कतई कहा और बाज़ ने इल्म कतई उस शरी माना में नहीं जैसे कुरान की न आयत है मगर कबूलियत के वजूब के एतबार से सबूत में कतई कहा, कबूल में कतई कहा कि इनकार नहीं कर सकते। और जो इसको शरण इल्म कतई मानते हैं उनमें इमाम इब्न हजर अस्कलानी भी हैं और इमाम मुकदमा जो इब्न सलाह का है तो साहिब मुकदमा ने जो उसूल हदीस पर अव्वल किताब है जिस पर कुल आइम्मा हदीस ने शुरू लिखी और मतन की किताब है वो भी इल्म कती के कायल है। और इलावा उनके कई और बड़े बड़े जरीर और कदर आइम्मा हदीस भी कतईयत की तरफ गए मगर जो कतईयत की तरफ नहीं गए वो भी इसके कबूल में कतईयत ही मानते हैं। आगे शरी फनी एक बहस है जिसमें फिर कती कुरान मजीद के मुकाबले यानी तो चे जाए कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस का मुकाम ये हो तो जो हदीस मैं इस वक्त बता रहा हूँ ये तो कुल सियासत्ता की छः किताबों में मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं, सिर्फ बुखारी और मुस्लिम जिस पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं और ये छः के छः असहाब सियासत्ता मुत्तफ़िक़ हैं इस पर कि वो जो अहले मकाम मशहूद हैं जिनकी मजलिसों में फरिश्ते बैठते हैं मलाइका बैठते हैं तो वो जब वापस जाते हैं तो एक आखिरी जुमला उस हदीस में आया है और हर किताब हदीस में आया है, जब मुकालमा एंड हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माला आला में फरिश्तों से फरमाते हैं गवाह हो जाओ जो जो लोग उस मजलिस में शरीक थे वो मेरे जाकिरों की मजलिस में अहले ज़िक्र अहले तात अहले इबादत मेरे मुकर्रब साले बंदों की मजलिस में जो लोग भी शरीक थे बैठे थे मैंने सबको बख्श दिया। अब उस हदीस में आता है कि उस मौका पर एक फरिश्ता उठ के सवाल करता है तो वहाँ भी एक कचहरी होती है, ये अल्लाह ताला की कचहरी लगी है ना जिसमें बातचीत हो रही है उसकी शान के लायक, तो मलाइका को इज़्न है सवाल करने का, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। अल्लाह तबारक व ताला की ये सुन्नत है, तख्लीक आदम के वक्त भी इजाज़त दी थी अगर मैं पैदा कर रहा हूँ नायब और खलीफा कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लो, इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, तो एक बात उनकी समझ में नहीं आई उसने उन्होंने पूछ ली कि हमें क्यों नहीं खलीफा बनाया इसको क्यों बना रहा है। तो खैर वो फिर कुरान में उसका तफसील से बयान आया तो वहाँ भी एक फरिश्ता उठ के पूछता है जो बात उनकी समझ में नहीं आई, वो कहता है बारी ताला आपने फरमाया कि मैंने उन सबको बख्श दिया, ये मकाम मशहूद की बात कर रहा हूँ और मजलिस मशहूद की और सोहबत मशहूद की और हल्का मशहूद की और नस्बत मशहूद की और अहले मुकाम मशहूद की बात कर रहा हूँ, कौन है जो फैज़ याफ्ता हैं साहिब मुकाम महमूद के। तो फरिश्ता एक कहता है बारी ताला उनमें तो एक बंदा ऐसा भी था तो वो तो अपना कोई घर का सौदा लेने जा रहा था अपने किसी कामकाज के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है तो थोड़ी देर वो भी उनके साथ बैठ गया,
वो घर से आया नहीं था इस नीयत के साथ कि मैं अहले ज़िक्र के साथ बैठूं और तेरे जाकिर बंदों की मजलिस में बैठूं, आया इस नीयत से नहीं था। वो गुज़रते गुज़रते उसकी निगाह पड़ी तो उनके साथ बैठ गया। तो क्या तूने उसको भी बख्श दिया? तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, ये वो हदीस जिसके लिए मैंने कहा कि सियासिता छः के छः आइम्मा सिहा मुत्तफिक हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हाँ उसको भी बख्श दिया। अब वो नुक्ता है यहाँ पर, अहले मुकाम मशहूद फरमाया, इसलिए यहाँ एक बारीक फ़र्क है। मैं पहले सवाल कायम कर लूँ ताकि आपको बारीक फ़र्क समझ आए, फिर जवाब बड़ा अच्छी तरह से नशीन हो जाएगा। सवाल ये कायम करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक जब फरमाते हैं हाँ उसको भी बख्श दिया, अब सवाल ये कायम कर रहा हूँ कि वो उनके साथ बैठा था, ज़िक्र किया, तो ज़िक्र इलाही करने की वजह से बख्शा गया या अहले ज़िक्र की सोहबत और संगत की वजह से बख्शा गया? ये सवाल कायम कर रहा हूँ। अब इस हदीस से इसका जवाब तलाश करते हैं। सवाल समझ गए आप कि क्या अल्लाह का ज़िक्र करने की वजह, ये अल्लाह का ज़िक्र उसका सबब बख्शिश बना या अहले ज़िक्र की सोहबत, उनकी मजलिस में बैठना सबब बख्शिश बना? ये एक सवाल, फ़र्क समझ गए आप दोनों में फ़र्क? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब सुन लें, उस जवाब ने इस सवाल को वाज़े फरमा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब में अगर तो ये फरमाते कि हाँ चूँकि उसने थोड़ी देर ही सही मेरा ज़िक्र कर लिया उनके साथ बैठ कर, इसलिए बख्श दिया। अगर तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश का सबब अपना ज़िक्र को करार देता तो जवाब एक सिमत वाज़े था कि वो ज़िक्र इलाही और इबादत इलाही के सबब बख्शा गया। लेकिन अल्लाह का जवाब ये है, हाँ उसको इसलिए बख्श दिया कि जिन लोगों की मजलिस में बैठा वो लोग हैं कि जो उनका हम नशीन हो जाए वो महरूम नहीं रहता, महरूम बख्शिश नहीं रहता। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वो उन जुलसा उन नेक लोगों और उनकी मजलिस में बैठा कि जिनका हम नशी कभी महरूम सआदत नहीं रहता और महरूम बख्शिश नहीं रहता। जो उनका हम नशी हो जाए, उनकी मजलिस सोबत में बैठ जाए, उनको भी खैरात मिल जाती है बख्शिश की। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कतईयत के साथ ये नुक्ता वाज़े फरमा दिया कि उसकी बख्शिश का सबब मेरा ज़िक्र करना नहीं। ज़िक्र तो मेरा शायद वो अपने घर में भी करता होगा, वो अपने घर में भी करता होगा, मोहल्ले की मस्जिद में भी कर लेता होगा, मगर उसके घर में ज़िक्र करने के बाद या मोहल्ले की मजलिस में ज़िक्र इबादत करने के बाद तो मैंने उसकी बख्शिश का ऐलान माला आला पे कभी नहीं किया। वो तो बाद में हिसाब व किताब होगा और देखा जाएगा क्या मामला बनता है। ये जो आज तुम्हारी मजलिस में उसकी बख्शिश का ऐलान कर रहा हूँ ये उसके ज़िक्र की वजह से नहीं, ये इस वजह से कि वो उन लोगों की संगत व मजलिस और सोबत में बैठा है कि जिनकी मजलिस में बैठने वाला कभी शकी बदबख्त और महरूम नहीं रहता। अल्फाज भी सुन लें, ये जो हदीस मैंने आपको सारी सुनाई, रावी इसके सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और चूँकि आखिरी बात सिर्फ जिस पर मैंने ज़ोर दिया वो तो काला फ़यकूलून रब फ़ीहिम फ़ुलानुन अब्दुन ख़त्ताउन, फ़रिश्ते पूछते हैं इन्नमा मर्रा फ़जाला समाहुम, बारी ताला तूने इरशाद फरमाया काला फ़यकूलु कद ग़फ़रतु लहुम, बारी ताला तूने इरशाद फरमाया कि मैंने उन सब को बख्श दिया, माफ़ फरमा दिया, बख्शिश कर दी। उस पे फरिश्ते पूछते हैं कि बारी ताला रब फ़ीहिम फ़ुलानुन अब्दुन ख़त्ताउन, उनमें तो एक बड़ा ख़ताकार बंदा भी था, अब्दुन ख़त्ताउन बड़ा गुनाहगार ख़ताकार बंदा भी था भी गुनाहगार और ख़ताकार। अब आपने देखा ये वो फैज़ है जो मुकाम महमूद से जो चश्मा फैज़ मुस्तफ़ा फूट रहा है और उस फैज़ की बरकत असहाबे मुकाम मशहूद को मिली है। तो वो बंदा इन्नमा मर्रा बस ऐसे गुजर रहा था अपने किसी काम के लिए, फजाला सा माहुम तो बस गुजरते गुजरते वो उनकी माइयत में उनकी मजलिस में बैठ गया। तो क्या उसको भी बख्श दिया? ये फरिश्ते सवाल करते हैं। काला
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फयकूलो कि अल्लाह ताला जवाब में इरशाद फरमाता है वलहू गफरत, हाँ उसको भी बख्श दिया। क्यों? हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, कि जिनके साथ वो बैठा वो ऐसा उन लोगों का तबका है कि जो उनकी मजलिस में बैठ जाए मैं उसे भी महरूम नहीं छोड़ता। ये जो हदीस मैंने जो अल्फाज पढ़े ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। अब सही बुखारी के अल्फाज भी इसी कदर इस हिस्से के सुन लें। तो सही बुखारी के अल्फाज रावी वही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो सही बुखारी के अल्फाज हैं वही उसी तरह काल फयकूलु फअशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, फरिश्तों मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने उस मजलिस में जितने हाजरीन थे उस मजलिस मशहूद में हाजरीन थे उनको बख्श दिया। काला यकूलु मलकुम मिनल मलाइका, अब ये सही बुखारी के लफ्ज़ है, तो फरिश्तों में से एक फरिश्ता सवाल करता है कि बारी ताला फीहिम फुलानुन लैसा मिनहुम, उनमें एक ऐसा बंदा भी था बैठा हुआ जो उस तबके में से नहीं था, यानी अल्लाह वालों में से नहीं था। तो पता चला एक है अहलुल्लाह वो तबका, और एक है कि जो खुद तो अहलुल्लाह नहीं है मगर उनके मुंतसिबीन हैं, उनके हम नशीन हैं, उनके हम मजलिस हैं, उनसे संगत रखने वाले, रफाकत रखने वाले, उनकी सोबत में बैठने वाले, उनसे मुसाहबत और मुराफकत रखने वाले, उनका दामन थामने वाले, उनके साथ ताल्लुक उस्तवार करने वाले एक वो हैं। ये बात वो ये कह रहा है कि वो जाकिरीन में से नहीं था, वो तो बस आर्जी तौर पे उनके साथ उसकी निस्बत हो गई कि उनको बैठ गया। इन्नमा जा अले हाजतिन, वो अपने किसी काम और हाजत के लिए जा रहा था, तो क्या उसको भी बख्श दिया। ये अल्फाज सही बुखारी के हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं काला हुमुल जुलसाउ ला यशका बिहिम जलीसुहुम, वो ऐसे हम नशीन लोग हैं मेरे बंदे, खास औलिया, मेरे दोस्त, मेरे महबूब और मुकर्रब जाकिर लोग, वो ऐसे जुलसा हैं यानी ऐसी संगत वाले हैं कि जो उनकी मजलिस में बैठ जाए, जलीस हो जाए, उनकी सोबत में बैठ जाए उसको भी महरूम नहीं छोड़ता, वो फैज दे देता हूँ, बख्शिश मगफरत। ये सही बुखारी के लफ्ज़ आपने सुन लिए, और फिर आपने सही मुस्लिम के भी सुन लिए। इसी तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि फिर ये तमाम कुतुब हदीस में ये मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल तक और तिरमज़ी के भी अल्फाज सुन लें, जामे तिरमज़ी ने क्या कहा। इमाम तिरमज़ी ने ये पूरी हदीस अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह दोनों से रिवायत करने के बाद हदीस सही आखिर पे वही फरिश्ते का सवाल नकल किया कि जब अल्लाह ताला फरमाते इन्नी कद गफरतु लहुम, सुन लो मलाइका मलाए आला में मैंने उन सब को बख्श दिया। ये फैज़ है साहिब मकाम महमूद यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के औलिया सुलहा और आबिदीन और ज़ाकिरीन और मुकर्रबीन पर, जिनको असहाब मुकाम मशहूद बनाया है कि जिनकी मजलिसें मलाइका के साथ मशहूद बना दी गई हैं, जिनकी मजलिसों में मलाइका आके बैठते हैं। तो इमाम तिरमज़ी ने जो रिवायत की तो उसमें लिखा कि फिर एक फ़रिश्ता फ़यकूलून मलाइका पूछते हैं इन फ़ीहिम फ़ुलानन अल-ख़त्ता, ऐ बारी ताला उस मजलिस में तो एक शख्स ऐसा भी था जो बड़ा खताकार था। इन्नमा जा अहुम लिहाजा, वो अपने किसी काम के लिए आया था, मुमकिन है उसको उन्हीं में से किसी काम बंदे से कोई जाती काम था, उसको तलाश करने के लिए निकला तो देखा वो भी यहां बैठा है तो बैठ गया कि चलो जिक्र से फारिग हो जाए तो फिर बात कर लूंगा, तो वो तो इस वजह से उनका हम नशीं बन गया, तो क्या उनको उसको भी बख्श दिया। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देते हैं फ़यकूल, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हुमुल कौम ला यशका लहुम जलीसुन, वो मेरे ऐसे मुकर्रब बंदों का तबका है कि जो उनकी मजलिस में बैठ जाए महरूम नहीं रहता, मैं उसकी झोली खाली नहीं छोड़ता, उसकी झोली खाली नहीं छोड़ता। तो ये एक मुकाम मशहूद का जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया
ये उस तनाजुर में ये बात थी हदीस पाक की। उसी का एक फैज़, उसी की किरण, उसी की खैरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो औलिया सालेहीन और इबाद कामिलीन और आबिदीन और ज़ाकिरीन अहलुल्ला हैं, अल्लाह उसके रसूल की ताअत में रहने वाले, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में और ताबेदारी में रहने वाले और अल्लाह के ज़िक्र और उसकी मोहब्बत में और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत और तमस्सुक में रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला मकाम महमूद के तवस्सुल से मकाम मशहूद देता है। तो गोया जो फिर उनकी इसके नतीजा क्या होता है कि एक तो पहली बात तो कुरान की नस से ये मालूम हुई कि वो चूँकि अहले मकाम मशहूद होते हैं तो फिर उनकी मजालिस में, कुरान मजीद ने तो यहाँ नमाज फ़जर का ज़िक्र किया ना, और मैंने बहुत सी तमाम अहादीस सहीह और मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस से उनके दीगर मजालिस और हलक़ात और उनकी सोहबतों का ज़िक्र किया कि उनमें मलाइका भी हाज़िर होते हैं और जो लोग भी आके बैठते हैं उनके हम नशीन होते हैं, वो फैज़ बख्शिश और फैज़ मग़फ़िरत से महरूम नहीं रहते। अल्लाह तबारक व ताला उनकी सोबत और हम नशीनी का फैज़ उनको अता करता है। और ये बड़ा अजीब फैज़ है, ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह है कि मुख्तलिफ तुरुक से आइम्मा हदीस ने इसको रिवायत किया हदीस सही को कि हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, हदीस कुदसी है, फरमाया अब यहाँ तो था ना हुमुल जुलसा उला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये वो कौम हैं और वो हम नशीन हैं कि इनकी मजलिस में इनके साथ बैठने वाले कभी महरूम नहीं रहते। ये तो हम नशीनी की एक जहत है, इस सिमत, ये हम नशीनी की वो सिमत है जिधर वो फैज़ अपनी सोहबत और हम नशीनी का फैज़ दे रहे हैं। अब थोड़ा सा एक दो मिनट वो दूसरी जिहत भी आपको बता दूं कि जिससे वो ले रहे हैं, इनकी सोहबत जिंदा सोहबत होती है, ये मजलिस जिंदा मजलिस होती है, और ये नहीं है कि पुराना लिया हुआ फैज़ ही बांटते रहते हैं, नहीं, हर वक्त इनको फैज़ मिलता रहता है हर मजलिस से जिक्र में, और हम वक्त ये फैज़ आगे बांटते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह वालों की मजलिस जिंदा मजलिस, अल्लाह वालों की सोहबत जिंदा सोहबत, अल्लाह वालों की संगत जिंदा संगत होती। और वो जो हदीस मुत्तफ़क अलैह वो है जो और अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फरमाया आना जलीस मन ज़ाकरनी, और एक रिवायत में है अना मा अब्दी इज़ा ज़ाकरनी, अना माऊ इज़ा ज़ाकरनी, फरमाया कि मेरा जिक्र और मेरी याद करने वाला जो मेरा बंदा है जब तक वो मेरी याद में रहता है मैं उसका हम नशीन रहता हूँ। आना जलीस मन ज़ाकरनी व आना मा मन ज़ाकरनी, जो शख्स मेरी याद करता है अल्लाह का बंदा तो मैं उसका हम नशीन होता हूँ, वो मेरी संगत में बैठा होता है। अब यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं कि ये तो मन ज़ाकरनी में तो कोई गुनाहगार शख्स कोई भी जिक्र करे तो ये तो उस पर ही भी इतलाक होगा, तो इसमें औलिया अल्लाह और सालेहीन के लिए बात ख़ास और अहले मकाम मशहूद के लिए ख़ास नेमत कैसे हो गई? नहीं, तो ये माइयत में फ़र्क है, माइयत में फ़र्क है, एक है माइयत आम्मा एक है माइयत ख़ासा। जैसे इसकी मिसाल ये है जैसे कायनात में काफिर भी और मोमिन सब अल्लाह के बंदे हैं तो बंदा होने में सारे बराबर हैं, ये अब्दियत आम्मा है। फरमाया इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा, ज़मीन व आसमान में जितनी मखलूक है अल्लाह के हुज़ूर उसके बंदा और अब्द के तौर पे पेश होगी। तो ये अब्दियत मुतलका और आम्मा हो गई, हर शय जिसको अल्लाह ने पैदा किया है वो अल्लाह की तस्बीह करती है, इम मिन शैइन इल्ला ये सब बेहो बेहमदे, हर शय कायनात की एक एक जर्रा शजर हजर भी अल्लाह की तस्बीह करता है, तो इस लिहाज से हर कोई अल्लाह का बंदा हुआ, जीरू भी और गैर जीरू भी सब अल्लाह के बंदे हुए, अब्द का लफ्ज़। फिर इंसानों में
काफिर और मोमिन सब अल्लाह के बंदे हुए, मगर फर्क यह हुआ कि जो काफिर है उसकी बंदगी और है और मोमिन की बंदगी, वो बंदा तो है मगर वो मोमिन ताबे फरमान बंदा है, ताबेदार बंदा है, और काफिर भी बंदा है मगर गद्दार बंदा है वो मुनकिरो गद्दार है, नाफरमान है, बेवफा है, इताअत छोड़ गया है। वो भागे हुए गुलाम से है जो मालिक की गुलामी से भाग गया, उसको अब्द आबिक कहते हैं, अब्द आबिक। और ये जो है जो अल्लाह की बंदगी में रहने वाले बंदे, ये अब्द रकीक हैं, ये उसकी बंदगी में गुलामी में रहते हैं, सर नहीं उठाते, बंदगी में रहते हैं। तो गोया अब्दियत दो दर्जों में आ गई ना, एक अब्द आबिक हो गया, ये कुफार मुशरिकीन भी अब्द हुए इस माना में, और एक मोमिन गुनागार मोमिन भी अब्द हुए मगर अब्द रकीक हुए। मगर मोमिनों में फिर कुछ वो हैं जो महज अब्द रकीक हैं, जो उसकी बंदगी में हैं, और कुछ वो बंदे हैं जो अब्द माजून के दर्जे में आते, उनकी अब्दियत माजून हो जाती है। वो हैं बंदे मगर अल्लाह के इज्न याफ्ता हैं, मुंह से जो कह दें वो खुदा का फरमाया हुआ हो जाता है। हैं वो भी बंदे, हैं वो भी बंदे, मगर ये वो बंदे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के इज्न याफ्ता हैं, हैं बंदे। कुरान मजीद में फरमाया मसलन सूरा अल बकरा, उसमें आयतुल कुर्सी आप सबको याद होगी, उसमें फरमाया मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ौ इंदहू, कौन है अल्लाह के बंदों में से जो अल्लाह की बारगाह में शफात करने की जुरत कर सके, हौसला कर सके, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में शफात करे, अज खुद किसी को ये है जुर्रत और जसारत? जवाब नफी में है, नहीं। मगर अल्लाह पाक ने अपनी बात यहां खत्म नहीं की, फरमाया इल्ला बिइज़्निही, सिवाय उन लोगों के जिनको मैंने अपना माजून बना दिया है, जिनको मैंने अपना इज्न अता कर दिया है। इसी तरह फरमाया यौमा इज़्न ला तनफउ शफातु इल्ला मन आज़ना लहुर रहमान, क़यामत के दिन काफिरों मुशरिकों और बदबख्तों को किसी शफात करने वाले की शफात फायदा न देगी मगर उन लोगों के लिए जो अल्लाह का इज्न पा जाएंगे, जो माजून होंगे। या काफिरों के बुत शफात न कर सकेंगे, काफिरों के बुत शफात न कर सकेंगे और कोई नफा बख्श शफात न होगी मगर उन लोगों की शफात नफा देगी जिनको अल्लाह का इज्न नसीब हो गया है। और इस तरह फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ला यमलिकून शफाअ इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, उस दिन लोग शफात के मालिक ना होंगे, आज खुद शफात करने की किसी को हिम्मत और जुर्रत ना होगी, इल्ला हर जगह देखेंगे अल्लाह ने मुस्तस्ना का एक आर्टिकल एग्जेम्पशन का लगा दिया है, हर जगह एग्जेम्पशन का आर्टिकल लगा दिया है, सिवाय मगर इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, मगर वो लोग उस दिन बेधड़क अल्लाह की बारगाह में लोगों की बख्शिश के लिए शफात कर रहे होंगे जिनके अल्लाह के साथ अहदो पैमान हो चुके हुए हैं। इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, जिनको अल्लाह के हुजूर जिनको शफात का वादा मिल गया हुआ है, शफात का वादा मिल गया है। इसी तरह ला तुगनी शफातुहुम शैअन इल्ला मिन बाद अन याज़न अल्लाह लिमन यशा व यरदा, ये सूरह अन्नजम, कि उनकी शफात कुफार मुशरिकीन के लिए नफी है, कोई शफात करने वाला उनको नफा ना देगा और उनके बुत जिनकी पूजा करते हैं उन्हें शफात का कोई इज्न ना होगा, मगर उन लोगों को अल्लाह पाक इज्न अता करेगा जिन्हें चाहेगा और जिनसे अल्लाह राजी होगा। तो आपने देखा कि बंदों में अकसाम है, तो माजून और शफात भी हैं, तो ऐसे लोग भी हैं कि जो अपनी ज़ुबान से कुछ कह दें तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लौ अक्समा अलल्लाहि लअबर्रा, अगर वो अल्लाह के नाम पर कसम खा दें तो उनके मुंह से जो निकलता है अल्लाह वही तकदीर बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में उसने फरमाया आना जलीस मन ज़ाकरनी, के जो शख्स मेरा जिक्र करता है, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जलीस और हमनशीन होता हूँ अपने जाकिर बंदे का।
और नुक्ता इस ज़िमन में मैं ये समझा रहा था कि अगर ज़हनों में ये सवाल पैदा हो कि ये तो हर जिक्र करने वाले के साथ अल्लाह जलीस होता है, इसमें औलिया, मुकर्रबीन, मकबूलीन और इबाद सालीन की क्या खसूसियत हुई, या जो असहाब मकाम मशहूद जो मैंने एक टर्म यूज़ की, एक इस्तिलाह, जो फैज़ याफ्तगान हैं साहिब मकाम महमूद के, तो उनकी क्या खसूसियत हुई। तो मैंने उस ज़िमन में अब्दियत की पहली मिसाल दी कि अब्द आबिक भी है, अब्द रकीक भी है, अब्द माजून भी है। तो अल्लाह ताला के अब्द हैं मगर बंदगी और अब्दियत की किस्में हैं। तो कबल इसके के इस पर मैं आगे बढ़ूँ, चूँकि हदीस मैंने ज़बानी कोट कर दी थी तो मैंने चाहा कि पहले उसके रेफरेंस भी मैं मेंशन कर दूँ। तो आना जलीस उमन ज़ाकारानी, ये अल्फाज तो आए हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। और ये अल्फाज जो दूसरी हदीस मैंने साथ पढ़ी, आना मा अब्दी इज़ा हुवा ज़ाकारानी, मैं अपने बंदे के, ख़ास बंदे के साथ होता हूँ, उसकी मैयत में होता हूँ, उसका हम नशीन होता हूँ जब वो मुझे याद कर रहा होता है। ये अल्फाज सुनन इबन माजा में आए हैं और सही इबन हिब्बान में और मुसनद अहमद बिन हम्बल में और हाकिम की मुस्तदरक में। इसी तरह ये तमाम अल्फाज हदीस के बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और सियासत्ता में भी हैं, बल्कि मुत्तफ़क अलैह जो रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिसका मैंने ज़िक्र किया, उसमें इरशाद फरमाया अना माहू इज़ा ज़ाकरनी, इससे पहले कलिमात हैं यकूलुल्लाह ताला क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ उसी तरह का मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। अब ये गुमान रखना ये एक ईमान की हालत है, और ईमान की वो हालत है कि जिसके नतीजे में बंदा अपने अल्लाह के साथ एक भरोसा, एक तवक्कुल कायम कर लेता है और वो जन जन नहीं रहता, यकीन बन जाता है कि उस बंदे का अल्लाह पर क्या एतमाद है, क्या तवक्कुल है, क्या भरोसा है। और ये जो तवक्कुल और भरोसा है ये मुनसिर होता है उसके उस ताल्लुक पर जो उसने अपने रब के साथ कायम कर लिया हुआ है। तो जैसा वो अल्लाह, फिर उसी तरह का वो गुमान करता है, जैसा उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है उसी तरह का गुमान होता है। फरमाया हर बंदे के साथ मेरा मामला जुदा है। अब जो वजाहत मैं कर रहा था कि बंदगी जुदा जुदा है, मायत जुदा जुदा है, वो भी इस हदीस से ख़ुद वजाहत हो गई कि अल्लाह का मामला भी हर बंदे के साथ जुदा है। बंदा जैसा गुमान करता है अपने अल्लाह के लिए, जैसा ख्याल रखता है अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मामला करता है। इसके बाद फरमाया वाना माहू इज़ा ज़करनी, और जब वो मुझे याद करता है, मेरा जिक्र करता है, उस वक्त तक मैं उसके साथ रहता हूँ। ये मुत्तफ़क अलैह हदीस है, बुखारी में किताब तौहीद और सही मुस्लिम में किताब ज़िक्र में, और यही जामे तिरमिज़ी में भी है और सुनन नसाई में भी है। और वाना माहू इज़ा दानी के कलिमात भी आए हैं कि जब मुझे पुकारता है मैं उस बंदे के साथ होता हूँ, उसकी मैयत होती है। और मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई और इब्ने माजा में ये कलिमात भी आए हैं वाना माहू हीन यज़कुरुनी, जब वो मुझे जिक्र, मेरा जिक्र कर रहा होता है, जब वो मुझे याद कर रहा होता है, मेरी याद में मगन होता है, मेरी धुन में मस्त होता है, उस वक्त मैं भी उसके साथ होता हूँ। ये एक माइयत का ताल्लुक होता है, हम नशीनी हो जाती है। तो गोया इन तमाम अहादीस में ये बात तो चूंकि मैंने कोट कर दी थी, मैंने चाहा कि इसका रेफरेंस भी आपको बता दूं। तो ये वाज़े हो गया कि मैयत होती है बंदे को नसीब। बात ये हो रही थी कि एक वो लोग हैं जो अल्लाह वालों की मैयत और संगत और मजलिस में बैठे थे,
और अल्लाह तबारक व तआला ने पहले बयान करदा तमाम अहादीस में जो ज़िक्र हुआ, तो अल्लाह ताला ने महज उनकी संगत की वजह से कि ला यशका बिहम जलीसहुम, इन मेरे इन बंदों का जो जलीस और हम नशीन है, इनकी सोबत में बैठने वाला, वो भी महरूम नहीं रहता। तो मैंने थोड़ी देर पहले ये बात समझाई थी कि ये एक एंगल है, एक जिहत है उन जुलसा की, उन अहलुल्ला की, उन औलिया की, उन अहले करामत की, उन असाबे मकामे मशहूद की, कि जो लोग उनकी मजलिस और संगत में बैठते हैं इस जिहत पर, तो उनकी हमनशीनी उनकी बदबख्ती को दूर करती रहती है, उनके लिए बख्शिश का फैज़ जारी करती रहती है, अल्लाह के हुजूर उनको मिलाती रहती है, और अल्लाह की इनायात का चश्मा उनके लिए खुलता है और वो फैज़याब होते रहते हैं। अब मैं इसके बाद अर्ज़ कर रहा था कि वो सोबत ज़िंदा सोबत होती है, इसलिए कि एक जहत से वो अपने हम नशीनों को फैज़याब कर रहे हैं और उनकी बख्शिश हो रही है और वो लायक बख्शिश बन रहे हैं उस संगत के सबब, और ऑन द अदर हैंड दूसरी जहत से वो ही अल्लाह वाले अल्लाह के हम नशीन हैं, अल्लाह के जलीस हैं, तो अल्लाह की हम नशीनी के बायस उधर से फैज़ और बरकत पा रहे हैं, तो गोया ये दरमियान में वास्ता बन गए हैं मौला और उनके आम बंदों के दरमियान, बंदगान खास अल्लाह और उसके आम बंदों के दरमियान वास्ता बन गए। अब मैंने जो अर्ज़ किया कि अगर ये सवाल, चुके बाद ये बात हो रही थी कि अगर ये सवाल आए कि ये तो हर जिक्र करने वाले के लिए, तो मैंने कहा नहीं, हाँ एक गोशा है उस पर मैं आगे चल के और वजाहत करता हूँ। तो मैं समझा रहा था कि अल्लाह की तरफ से चश्मा करम तो हर एक के लिए खुला है, मगर कुछ बंदे वो हैं जिन्होंने खुद अपना दरवाज़ा रास्ता ही बंद कर रखा है, तो उन्हें फिर वो हम ना हम नशीनी का एहसास है, ना इदराक है, ना शऊर है, ना फैज़ है, वो अपने आप को महरूम कर रखा है उन्होंने, तो वो भी बंदे हैं, और वो भी बंदे हैं कि जो उसकी बंदगी में इतने कामिल हैं और उसकी वफादारी में इतने कामिल हैं कि वो उनकी हमनशीनी का फैज़ उनको रवा दवा है। तो फ़र्क आ गया ना। अब एक बड़ी लतीफ़ बात बताता हूँ, इबलीस क्या है, अल्लाह का बंदा है या नहीं? इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है, कोई शय भी काफिर व मुशरिक से लेकर फासिक तक, और फासिक से लेके मोमिन तक, और मोमिन से लेके वली तक, और वली से लेके नबी तक, कोई भी अल्लाह की बंदगी से खारिज नहीं है। तो सारे जिन्नात भी अल्लाह के बंदे हैं, इसी तरह मोमिन हो या फासिक हो काफिर हो, और मलाइका भी अल्लाह के बंदे हैं। तो इबलीस कान मिन अल जिन कुरान में आता, वो भी जिन्नात में से, तो वो भी जो अबदियत आम्मा समझा रहा हूँ कि अगर हर मकाम को यकसां कर दिया जाए, अल्लाह ने तो पांच उंगलियां भी बराबर नहीं बनाई, तो मैयत हर एक के लिए बराबर कैसे हो गई? अल्लाह ने ईमान में हर एक को बराबर नहीं रखा, कदो कामत में बराबर नहीं रखा, इबादत में बराबर नहीं रखा, अमल में बराबर नहीं रखा, फहम और अकल में बराबर नहीं रखा, नसब में बराबर नहीं रखा, हसब में बराबर नहीं रखा, रंग रूप में बराबर नहीं रखा, अमाल कल्ब की कैफियात में किसी शय में कोई बराबर नहीं होता। एक बराबरी होती है उमूमी, सारे पत्थर बराबर हैं पत्थर होने में, कोई कहे जी ये भी पत्थर है वो भी पत्थर है, तो इस जिन से पत्थर होने में सारे पत्थर बराबर हैं, मगर पहाड़ों से आम गिरने वाले जिनसे सड़कें बनती हैं वो भी पत्थर हैं, और अकीक और मिर्जान भी पत्थर, और याकूत और अकीक भी पत्थर हैं, फिर अकीक और याकूत भी पत्थर हैं, और फिर वो पत्थर जो बाथरूम में लगते हैं और घर के जिनसे फर्श बनते हैं वो भी पत्थर हैं, और जिन पत्थरों से काबा की दीवारें चुनी गई हैं वो भी पत्थर हैं। आप समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान के पहाड़ों के पत्थर भी पत्थर हैं, और गारे हिरा के जबल नूर के पत्थर भी पत्थर हैं, तो क्या ये सब बराबर हो गए? और सारे पत्थर हैं, फिर उनमें एक हजर असवद भी पत्थर है। आप देखिए ना, तो एक है नफ्स मसरी, पत्थर होने में तो सब पत्थर हैं, मगर ये तसव्वुर बाज लोगों ने कम इल्मी की वजह से, और थोड़ी मॉडर्निटी मॉडर्निज्म, थोड़ी सेकुलरिज्म,
कुछ मटेरियलिज्म, कुछ रैशनलिज्म, इन चीज़ों के किसी की पसली पकड़ ली, किसी की टांग पकड़ ली, किसी का सर पकड़ लिया, तो मिला के एक माजून मुरक्कब बना के कुछ लोगों ने इल्म का कचूमर निकाल दिया है। और टेलीविजन पर भी ऐसे लोगों के वो अजा वाइजीन और खुतबा और उलमा और ऐसे मुफक्किरीन की कोई कमी नहीं है, जिनको हदीस पाक की कुतुब की एक इबारत एक सदर पढ़नी नहीं आती। मैंने अगले दिन सुना कि किसी इंटरव्यू में कुछ अहले इल्म बैठे कह रहे थे कि कुरान मजीद में शफात के इज़्न का तो जिक्र आया है मगर ये कहीं नहीं आया कि शफात कबूल भी होगी किसी की। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, जहालत की इंतहा है। सबसे ज्यादा मजलूम इस कायनात में अल्लाह का दीन है, सबसे ज्यादा मजलूम, सबसे ज्यादा मजलूम दीन है। यानी अगर MBBS डॉक्टर न हो कोई शख्स तो दूसरे का इलाज नहीं कर सकता, वो दवाई भी नहीं दे सकता, प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकता। ठीक बात है, इंजीनियर न हो तो वो इंजीनियरिंग वो काम नहीं कर सकता, आर्किटेक्ट न हो तो वो कोई नक्शा या कोई स्ट्रक्चर वगैरह के लिए आप उससे रहनुमाई नहीं लेते, केमिस्ट न हो तो आप उससे वो काम नहीं लेते। ये तो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, हत्ता के अदना दर्जे पे भी चले जाएं तो जो लोहार का काम है लोहार से ही लेते हैं, तरखान लकड़ी वाले का काम उसी से ही लेते हैं, अदना से अदना दर्जे में भी जो आदमी जिस फन और हुनर का माहिर है उसी से ही काम लेते हैं। अब कार खराब हो जाए आपकी और मुझे कहें भाई आप हमारी कार ठीक कर दें, तो मेरा ख्याल है मैं 10 साल भी लगा रहूं अपनी सारी काबिलियत को जमा करके तो मैं मुझे समझ नहीं आएगी खराबी कहाँ है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा हर शय का एक सब्जेक्ट है, अगर नहीं बचा तो अल्लाह के दीन का, कुरान और सुन्नत का नहीं बचा। इस पर हर शख्स आलिम है, हर शख्स इस पर मुफ्ती है। MBBS डॉक्टर है वो भी इसके ऊपर मुहक्किक है, इंजीनियर है वो भी मुहक्किक है, फिलोसफिकल प्रोफेसर है वो भी मुहक्किक है। उसने सारी जिंदगी अरबी की सदर पढ़नी नहीं सीखी, सरफनाफ की इब्तदाई कुतुब तक भी नहीं पढ़ी, वो भी मुहक्किक है और मुफ्ती है। कोई तफसीर कोई हदीस की किताबों से नहीं गुजरा, इस वादी इल्म से ही नहीं गुजरा, वो भी मुहक्किक है और कहेगा पूरे कुरान में ये कहीं नहीं। और उसको ये खबर नहीं है कि ये कहना कि सिर्फ कुरान की बात कर देना इससे बड़ी जहालत और बेखबरी कोई नहीं है। अगर आप ये कहने लगे कि कुरान में कहीं नहीं आया लिहाजा इनकार कर दे, तो कुरान में तो फजर से लेके इशा तक किसी एक नमाज की रकतों का भी बयान नहीं आया, फिर आप कुरान में चूंकि नमाजों की रकतें नहीं तो नमाजें भी छोड़ दें, मर्जी कोई 2 की बजाय 3 पढ़ ले, कोई 4 पढ़ ले, कोई 5 पढ़ ले, कोई 6 पढ़, रकतें तो कुरान में आई नहीं हदीस में। रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है कुरान में तो कोई नहीं, जो चाहे खाते फिरे। हज के मनासिक की तफसीलात क्या हैं कुरान में तो तफसीलात और तरतीब नहीं है, जो चाहे कर लें, किस वक्त किस दिन किस जगह पहुंचना है, किस वक्त किस दिन निकलना है अरफात से, किस शाम किस सुबह मुजदलफा पहुंचना है, कब मीना पहुंचना है, किस दिन कुर्बानी देनी है, ये अय्याम ये कुछ भी कुरान में नहीं है, तो जैसे चाहें हज को रद्द बदल कर दें। ये कुरान में कहीं जिक्र नहीं आया इन बातों का, आप अंदाज़ा करें कि कितनी ख़तरनाक बात है। नमाज भी गई, रोज़ा भी गया, हज भी गया और हलाल और हराम के सारे आकाम भी गए। कितनी चीज़ें हैं जो हलाल करके आप खाते हैं और उनका कुरान में कहीं जिक्र नहीं, और कितनी चीज़ें हैं जो आप नहीं खाते हराम समझते और उनका कुरान में जिक्र नहीं हदीस में है उनका, तो हदीस के बग़ैर तो आप आगे एक कदम नहीं चल सकते। आपस में निकाह कैसे करना है और इस दिवाजी रिश्ते को हलाल कैसे करना है इसकी तफसीलात कुरान में नहीं है, तो आप तो अपने रिश्ता इस दिवाज की हिल्लत भी कुरान से डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक हदीस की साथ ना हो। तो हमेशा कुरान की शारे हदीस और सुन्नत नबवी है। नमाज का तरीका सहाबा कराम ने पूछा या रसूल, हुक्म आया अकीमुस्सला नमाज कायम करो, आका ने सहाबा ने पूछा या रसूल कैसे पढ़ें, ये तकबीर तहरीमा का तरीका कुरान में नहीं, सना पढ़नी है, क़याम करना है, फिर रुकू करना है, सुजूद करना है, इवन नमाज पढ़ने का तरीका भी कुरान में नहीं। ये फिक्र बहुत ख़तरनाक फिक्र है,
और ऐसे जुमले बोलना, ऐसे आसानी से मुंह से निकाल देना और टेलीविजन पर जानते हुए कि करोड़ आदमी वाच कर रहे हैं और आपको अहले, हमको अहले इल्म समझते हैं और वो एतमाद करेंगे, तो उनके अकीदे कितने मुतज़लज़ल और ख़राब हो जाएंगे, एक जुमला निकाल देना। ये बदकिस्मती है इस दौर में कि हर शख्स इस्लाम पर जुल्म करने के लिए अपना तीर कमान लेकर, कम इल्मी की तीर कमान लेकर इस्लाम के जिस्म को छलनी कर रहा है। तो हुज़ूर ने फरमाया सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, मुझे देखो जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये तरीका है नमाज है। तो कुरान मजीद में उसूल हैं, अहकाम हैं, बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, किसी शय की तफसील कुरान में नहीं होती, मोडेलिटीज़ कुरान में नहीं है, डिटेल्स कुरान में नहीं है, स्पेसिफिकेशंस कुरान में नहीं है, डिटेल प्रेस्क्रिप्शंस कुरान में नहीं है, उसके जो मेथडोलॉजीज़ कुरान में नहीं है, उसके वेज और मैकेनिज्म कुरान में नहीं है, उसके परफॉर्मेंस के तरीके कुरान में नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कुरान में नहीं है, उसके फ़राइज कुरान में नहीं है, वाजिबात कुरान में नहीं है, उसके सुनन नहीं है, मुस्तहबात नहीं है, मकरूहात नहीं है, उसके नाकिजात नहीं है, हर चीज़ फिर आगे उसकी वजाहत हुक्म कुरान की, हुजूर की सुन्नत और हुजूर की हदीस से मिलती है। ये बात मैंने इस ज़िमन में इसलिए कही कि ये ऐसी सोच मुसलमानों के अंदर बड़ी गुमराही पैदा करती है और ये नौजवान नस्ल के जहनों को मुतज़लज़ल करती है, फिर हदीस पर सुन्नत पर एतमाद उठाती है, एक ईजी वे हो जाता है ना सीधा बस। मैंने ज़िंदगी में अपने ज़माना है, मेरी ज़माना है तालिब इल्मी था, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स कर रहा था इस्लामिक स्टडीज़ में, फिर मैं लॉ कर रहा था, मैंने ऐसे लोगों को भी बराह रास्त सुना और उनकी मजालिस को देखा कि जो कुरान मजीद, जिनके लोग आगे बैठते थे और उनको कुरान मजीद की तिलावत अरबी मतन की नहीं कर सकते थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन रख के बस टिक मार करते थे, और वो कहते थे हम कुरान को पढ़ते हैं और कुरान का फिक्र हासिल करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन से। तो ये एक तसलसल है इस फिक्र का, ये नफी सुन्नत है बिलवास्ता, नफी हदीस है बिलवास्ता, और सुन्नत और हदीस की अहमियत को घटाना दरअसल पूरे दीन की नफी कर देना है, पूरे दीन की नफी कर देना। जब आप सुन्नत और हदीस से तवज्जो हटा लें और सिर्फ ये कह दें ये बात कुरान में नहीं है, बट दैट्स इट, अगर इस पर तवज्जो कायम कर लें कि कुरान में नहीं है, तो ये कुरान का कुरान होना कहां है, ये कहां है कुरान में? आप कहेंगे कि कुरान मजीद ने खुद का कुरान उन मजीद, ये कुरान है, नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, आप कहेंगे ये कुरान में है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ये सारा कुछ जो कुरान में है, ये किससे पता चला कि ये सारा कुछ कुरान है? अलहम से वन्नास तक जो कुछ कुरान में है, और ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, ये सब कुछ जो कुरान में है और जो कुरान है इटसेल्फ, इसकी शहादत सबसे पहली बुनियादी शहादत, अव्वल शहादत इस बात की कहां है कि यह वाकईतन कुरान है। तो कुरान के कुरान होने का भी अव्वल सबूत जुबान मुस्तफ़ा है। मैं यहां एक जुमला बोलूंगा आप तवज्जो करें समझने के लिए, कि गारे हिरा में पहली वही उतरी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, पांच आयतें पहली वही उतरी गारे हिरा में। इस वही से पहले ये ऐलान नबुव्वत था, बेसत थी, तो लोगों को तो कोई खबर नहीं थी कि कुरान क्या है। न किसी ने जिब्राइल से मुलाकात की थी, न जिब्राइल अमीन ने किसी को खबर दी थी, न किसी ने जिब्राइल अमीन को उतरते देखा, न हुजूर पर वही का नुजूल किसी ने देखा, न जिब्राइल अमीन को वापस जाते देखा, लोग तो बेखबर थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जुबान मुबारक से आके ये आयात तिलावत की, जो ईमान ले आए या जिन्होंने सुना तो उन्होंने पूछा, कईयों ने कहा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कईयों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या है जो आप पढ़ रहे हैं? ये जो आयत है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक पहली वही जो उतरी,
पूछा आका ये क्या हैं, ये अरबी की कलेमात थे, जुमले थे, और वो ख़ुद अहले ज़ुबान थे, अरब थे, तो उनके लिए को माना समझना तर्जमा करने और करवाने की तो ज़रूरत थी नहीं, वो समझ रहे थे क्या है कलाम था। पूछा ये नया कलाम है क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कुरान है, अल्लाह की वही है जो मुझ पर उतरी। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो आयतें तो हुई कुरान, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक से लेकर अल्लमल इंसान मालम यालम तक, ये पांच आयतें जो पहली वही के तौर पे उतरी ये तो हुई कुरान, मगर जो आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो आपने फरमाया ये कुरान है, ये जो जुमला है ये कुरान है, जो उन पांच आयतों का कुरान होना साबित कर रहा था, ये जुमला क्या है। आपने पांच आयतें तिलावत कर दी ना, पढ़िए अपने रब के नाम से, ठीक है, पांचवीं आयत तक। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये जो जुमले हैं पांच, नया कलाम है ये क्या है, तो आपने फरमाया ये कुरान है, अल्लाह ने मुझ पे नाजिल किया, जिब्राइल लेके उतरे, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इकरा से लेकर मालम या अलम तक ये तो कुरान था, कुरान है। मेरा सवाल ये हुआ कि जब आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा के पूछने पर बताया ये कुरान है, ये जुमला क्या है, ये कुरान है या हदीस नबवी है, ये जुमला कि ये कुरान है ये क्या है, कुरान है या हदीस नबवी है, क्योंकि ये जुमला खुद तो उन पांच आयतों में नहीं था, ये उन पांच उतरने वाली आयतों में तो था नहीं। ये तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उसके जवाब में हुजूर ने फरमाया, ये अल्लाह ने नहीं कहला भेजा, हुजूर ने फरमाया ये कुरान है, ये वही ये अल्लाह ने उतारी है, तो ये जुमला कुरान नहीं था, ये वही थी, ठीक है। तो कुरान के कुरान होने का सबूत किसने दिया, वही ये नबवी, ये सुन हदीस नबवी ने, कुरान के कुरान होने की का सबूत कहां से मिला, हदीस नबवी से। तो जो लोग हदीस को निगलेक्ट कर दें और नजरअंदाज कर दें और कहें कुरान में नहीं है, तो वो तो कुरान की के असल सबूत का ही एक तरह से इनकार कर रहे हैं बिलवास्ता। लिहाजा इस फितना से बचना चाहिए, इस फितना से बचना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो इरशाद फरमाया कि मैयत, अबदियत, बंदगी सब यकसां नहीं होती, तो मैंने मिसाल दी हजर अस्वद और बाकी पत्थर बराबर नहीं है। क़त्अ ज़मीन है, एक जगह है जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जसद अक़दस है, वो आपकी कब्र अनवर है, वो भी है तो ज़मीन का क़त्अ, मगर उस जगह को हुज़ूर फरमा रहे हैं रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, वो फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारी ज़मीन ही नहीं है, जन्नत के बागात में से बाग है, ये क़त्अ नूर है, क़त्अ जन्नत है। आपके हिसाब में तो ज़ाहिरन तो ज़मीन है, मगर हुज़ूर फरमा रहे हैं नहीं, वो ज़मीन होकर भी ज़मीन नहीं है, वो जन्नत की ज़मीन है, वो क़त्अ नूर है, जन्नत का बाग है। तो सारे क़त्अत अराज़ी एक जैसे न हुए ना, तो इसी तरह अल्लाह तबारक, इसी तरह बंदगी और बंदे भी एक जैसे नहीं, जब सारे बंदे एक जैसे नहीं तो फिर मैयत भी सबकी एक जैसी अल्लाह के साथ नहीं, हम नशीनी और संगत भी एक जैसी नहीं है, बंदे के हाल पे डिपेंड करता है, जो जिस हाल का मालिक होगा उसकी मैयत उसी हाल की होगी। तो मैं मिसाल दे रहा था कि इबलीस क्या है, बोलिए, अल्लाह की बंदगी से खारिज नहीं, बंदा है ना, मगर उसने कहा जब गुमराह हो गया, वो बंदा मरदूद है बंदा, मगर बंदा मरदूद, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह कुर्ब से, तू मरदूद हो गया, वो बंदा मरदूद है। उसने कहा बारी ताला जैसे तूने माज़ अल्लाह मुझे गुमराह किया, मैं तेरे सारे बंदों को क़यामत तक गुमराह करूँगा। उसने क्या कहा, लाग़वियन्नहुम अजमईन फबइज़्ज़तिका, तेरी इज्जत की कसम माज़ अल्लाह, जैसे तूने मुझे गुमराह किया तो मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा।
उसने भी जुमला यही बोला कि तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, तो उसकी तेरे बंदे का लफ्ज कहते हुए, अजमाइन कहते हुए उसकी निगाह सब बंदों पर थी। अल्लाह ने उसके कॉल को रद्द फरमाया और जवाब में फरमाया, इन्नहु इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम बिसुल्तान, ऐ शैतान जो मेरे बंदे होंगे उन पर तेरा कभी दाव नहीं चल सकेगा, मेरे बंदों पर तेरा दाव कभी असरअंदाज ना होगा, वो महफूज व मामून रहेंगे। और दूसरे मुकाम पर इस्तिस्ना कर दिया, इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे उन बंदों के जो इबाद मुखलसीन हैं, जो नफ्स के चुंगल से आज़ाद हो गए हैं। क्योंकि मैंने तो हमला करना है उन पर बजरिया नफ्स, मेरी दोस्ती नफ्स के साथ है। हमारे दुश्मन दो हैं, एक खारिज में एक दाखिल में। खारजी दुश्मन शैतान है और दाखिली दुश्मन हर एक के अंदर नफ्स है। शैतान और नफ्स इन दो की आपस की दोस्ती और चोली दामन का साथ है। शैतान अपना वसवसा अपना हमला डालता है नफ्स में और नफ्स फिर उसको बहकाता उकसाता करता है। तो मैं तेरे सब बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, ये शैतान को खुद इकरार करना पड़ा और इस इस्तिस्ना को उसने माना, कहा कि नहीं। अल्लाह ताला ने कहा, क्या तू मेरे सब बंदों को करेगा? वो फौरी संवर गया, सीधा हो गया। उसने कहा, नहीं, आम बंदों को करूंगा, जो तेरे बंदगान खास है उनको नहीं कर सकूंगा। तो ये तो शैतान भी मान गया कि बंदगान खास मेरे असर में नहीं होंगे। इबादा का मिन हुमुल मुखलसीन, मुखलसीन बंदे यानी जो नफ्स के चुंगल से आज़ाद हो गए। तो आपने देखा कि अब शैतान भी एक माना में बंदा है और वो जो शैतान के हमले से महफूज हो गए वो भी बंदे हैं, तो फ़र्क आ गया ना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो सारे बंदे हैं मगर किसी मुकाम पर फरमाया, वज़कुर, इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वज़कुर अब्दना अय्यूब। अब सारे ही बंदे हैं मगर कहीं किसी को कहता है हमारे बंदे, फरमाया हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र कर, वज़कुर अब्दना अय्यूब। दूसरे मुकाम पे फरमाता है ये सूरा काफ में, और फिर मकाम पे फरमाता है, वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, हमारे खास बंदे इब्राहीम इसहाक और याकूब, उनका जिक्र कीजिए। तो आपने देखा कि कुरान मजीद कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों को, ऐसे बंदे हैं जिनको अपनी तरफ मनसूब करता है, अपनी तरफ मनसूब कर, अपने अपना बंदगान खास कहकर मनसूब करता है। और फिर ऐसा भी है उनको अब्दना कहा, और ऐसा भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो फरमाया, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जो अपने बंदा खास को ले गया, और फाउहा इला अब्दिही मा औहा, जिसने अपने बंदा मुकर्रब बंदा खास पर वही की। तो हर जगह फ़र्क आ रहा है, तो किसी की नस्बत अपनी तरफ करके उसको खास कर लिया। जिस तरह अब्दियत की नस्बत एक आम है और एक खास है, इसी तरह रहमत की नस्बत भी खास है और आम है। इल्म की नस्बत अल्लाह हर एक को, इल्म तो अल्लाह देने वाला है, और कायनात में हर काफिर और मोमिन को भी, हत्ता के इंसान और हैवान पर भी, अगर उसकी ज़िंदगी है रिज़्क मिलता है तो ये अल्लाह की रहमत है। एक रहमत आम है, एक रहमत ख़ास है। फरमाया फवजदा, जब मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून निकले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की, खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में मुलाकात के लिए, तो फरमाया फवजदा अब्दम मिन इबादिना, बस उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा ख़ास को पा लिया। अब आपने देखा अभी तक बात हो रही थी अब्द की, फिर इबादोना बंदा, फिर हमारे बंदे,
और अब बात हो गई अब और इबाद, वो थे अब्दियत आम्मा के हामिलीन, और फिर हो गए वज़कुर इबादना, हमारे बंदों का जिक्र कर, कहीं ऐसा जिक्र आ गया, ये बंदगान खास हो गए। और कहीं कहीं अल्लाह पाक इन्हीं अंबिया और इनका जिक्र किसी और जिहत से जब या इनके मकबूलीन का करता है तो उन्हें अखस्सुल खवास, खास से भी ऊपर करके जिक्र करता है। वहां फरमाता है फवजदा अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से फिर एक बंदा खास को पा लिया, तो अखस्सुल खवास हो गए। तो आपने देखा ना कि सारे बंदे बराबर नहीं मिटे, सारे बंदे बराबर नहीं और सब बंदगियां बराबर नहीं हैं। और फिर फरमाया आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। वो जो खिज्र अलैहिस्सलाम हमारे बंदों में से बंदा खास था, उसकी खसूसियत क्या थी? उसको आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने अपनी खास बारगाह से उसको रहमत का खसूसी खजाना अता किया था। अब रहमत हर एक को मिलती है, हत्ता के इंसान और हैवान को भी अल्लाह ही की रहमत है, वो अर्रहमान अर्रहीम है। मोमिन और काफिर की जिंदगी भी अल्लाह की रहमत से है, रिज्क भी अल्लाह की रहमत से है, हर बीमार की शिफा भी अल्लाह की रहमत से है, हर भूले भटके की हिदायत और रास्ता मिल जाना भी अल्लाह की रहमत है। तो ये रहमत आम्मा है। तो क्या ये रहमत और खिज्र अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत बराबर हो गई? अगर ये सब चीज़ें बराबर थी तो उनकी तलाश में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजना काहे को था? मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा किस लिए? यही तो बताने के लिए भेजा कि रहमत हर एक पर है, मगर बाज लोग खास रहमत के हामिलीन हैं, इल्म हर एक को देते हैं मगर बाज लोग इल्म खास के हामिलीन हैं। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, ये जो मिन इंदिना में इंदियत है और मिन नियत, मिन इंदिना, ये जो फरमाया कि हमने अपनी बारगाह से खास रहमत का खजाना दिया था, तो इसने बंदों में से उनकी बंदगी को भी खास बना दिया और उन पे जो रहमत हुई अल्लाह की रहमत में से उस रहमत को भी खास बना दिया। और आगे फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उसको फिर इल्म अता किया था, मिन लदुन्ना अपने खास खजाने में से, अपनी खास खजाने में से इल्म दिया था, मिन लदुन्ना इल्मा, तो इल्म खास। तो अल्लाह पाक अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अगर मुराद इससे मुतलकर इंसान ले तो एक जिहत यह है कि हर इंसान को इल्म अल्लाह ही ने दिया है, हर इंसान को इल्म, जब हर एक को इल्म अल्लाह देता है तो फिर कोई क्या फर्क हुआ हर इंसान को मिलने वाले इल्म में और हजरत खिज्र को मिलने वाले इल्म में? अगर वो बराबर है तो मूसा अलैहि सलाम खुद साहिब इल्म नबुव्वत हैं, साहिब इल्म नबुव्वत हैं, और वो निकले हैं इल्म खिज्री की तलाश में। चूंकि हदीस पाक में आता है, वजह भी ये बनी थी उनके सफर पे निकलने की कि उनको अल्लाह ताला की बारगाह से पूछा, क्या बारी ताला मुझसे जो कुछ मुझे अता किया इससे अलावा मुझसे जायद भी इल्म किसी को दिया है खास? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हाँ, तुम एक बंदा दिखाते हैं। तो बुखारी शरीफ में हदीस की शरह में पूरा बाब है, मुस्लिम पूरी तफसील के साथ आया। तो निकले भी इसलिए थे वो इल्म खास, अल्लाह ने फरमाया मिल लदुन्ना इल्मा, कि हमने अपनी बारगाह है तो इल्म लदुन्नी अता किया था, इससे इल्म लदुन्नी का सबूत मिला। तो एक इल्म आम हुआ, एक इल्म किताबी हुआ, एक इल्म दरसी हुआ, एक इल्म अकली हुआ, एक इल्म अकली हुआ, और एक इल्म इल्म लदुन्नी हुआ जो मारिफत है, असरार है, रुमूज हैं, इल्म लदुन्नी। तो गोया इल्म भी फ़र्क आ गया, इल्म इल्म और इल्म में फ़र्क आ गया, रहमत और रहमत में फ़र्क आ गया, बंदगी और बंदगी में फ़र्क आ गया, इसी तरह अजीज़ान मोहतरम इसी तरह मैयत और मैयत में भी फ़र्क आ गया। एक मैयत अल्लाह की वो है जो हर एक को नसीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी करीब तर हैं। अब अल्लाह का इंसान की शहरक से करीब तर होना, ये मोमिन हो या काफिर हो,
हर एक के लिए यकसा है कि नहीं, ये उसकी अकरबियत है, ये उसकी अकरबियत है। नहनु अकरबो इलैह, हम नफ्स इंसानी की शहरग से भी करीब तर हैं। नहनु अकरब। अभी यहां बड़ा फिर एक तवज्जो तलब बारीक नुकता है, इरशाद फरमाया नहनु अकरबो इलैह, हम बहुत करीब, हम करीब हैं उस बंदे की, इंसान की शहरग से हम करीब हैं। तो जब यह बात होती है कि अल्लाह करीब है तो फिर हर किसी के साथ यकसा है, मगर उधर से उसकी अकरबियत तो है, हम बात कर रहे हैं कि बंदा कितना करीब है। वो तो करीब हुआ, लेकिन अगर बंदा करीब ना हुआ तो फिर वो उसके फैज़ अकरबियत से, उसके कुर्ब के फैज से मारूम रहा, उसकी माइयत के फैज से मारूम रहा, उसकी रफाकत के और हम नशीनी के फैज से मारूम रहा, इनायत के फैज से मारूम रहा। तो जब वो तो हर एक के करीब है, बारिश तो हर एक पर गिरती है, मगर एक जमीन के टुकड़े पर गिरती है तो हरियाली उगती है, घास उगता है। अगर बीज अंदर फूल के माली ने डाल रखे हो तो गुलाब के फूल और चमेली के फूल उगते हैं। किसी जमीन में अगर माली ने, किसान ने गंदम का दाना डाल रखा हो तो बारिश तो यकसा है, बारिश के गिरने की कोई किस्म अलग अलग नहीं, उतरने वाली शय बराबर है, जमीन जुदा जुदा है। गंदम का अगर दाना था तो गंदम उगाई, कपास थी तो कपास उगाई, सेब था तो सेब उगाया, आम था तो आम उगाया। तो एक तरफ जमीन ऐसी थी तो फल फूल उगे, फसलें उगी, अनाज उगा, और कई जमीनें ऐसी भी हैं कि वो सारी गंदगी और गलाजत की ढेर थी, वही बारिश यहां गिरी तो बहार हो गई, वही बारिश गंदगी के ढेर वाले खित्ते जमीन पे गिरी तो तफन उभरा और हर तरफ बीमारी फैल गई, हैजा फैल गया। तो जिस तरह जमीन के खते कहीं से फूल उगते हैं, कहीं से हैजा मिलता है, इस तरह बंदे भी हैजा देने वाले होते हैं, जरासीम याफ्ता ऐसे बंदे भी हैं कि उनके पास बैठने से गुमराही के जरासीम नसीब होते हैं, उनकी मजलिस में बैठने से बंदे का अकीदा खराब होता है, उनकी बात सुनने से बंदे के जहन में इंतशार पैदा होता है, उनकी गुफ्तगू और तकरीर सुनने और मजलिस में हम नशीनी से बंदे का अल्लाह पर एतिकाद मुतजलजल होता है, उसका यकीन मुतजलजल होता है, आका अलैहिस्सलाम से निस्बत गुलामी की कमजोर होती है, हुजूर की मोहब्बत के बीज दिल की जमीन से निकलते हैं। ऐसे भी हैं जिनकी बात सुनने और जिनके करीब बैठने से और जिनको सुनने से बंदे में शैतनत पैदा होती है, नबी के साथ बराबरी का फितना उभरता है, बराबरी का फितना पैदा होता है, माजल्ला नकायस को देखता है, हम सरी की तरफ जेन जाता है। ये भी बंदे हैं, और वो भी बंदे हैं जिनकी मजलिस में बैठो तो बैठने वाले सरापा अदब बन जाएं, शब रोज जिनकी बात सुनो तो सरापा मोहब्बत बन जाएं, जिनके शब रोज में सोबत हम नशीनी नसीब हो तो सरापा तवाजो इनके सारी का पैकर बन जाएं, उनके दिलों में रिफ्क आ जाए, नरमी आ जाए, खस्तगी आ जाए। तो फर्क आ गया ना सोबत का, बातों का फर्क आ गया, बंदगी का फर्क आ गया। ये साहिबान मुकाम मशहूद हैं, साहिबान मुकाम मशहूद हैं, ये बंदगान मकबूल हैं और वो बंदगान मरदूद हैं। ये मलाइका का तरीक, बल इबादु मुकरमून, जो अदब में झुक गए, तामील में झुक गए, वो बल इबादु मुकरमून, वो मलाइका हुए, उन्हें मलाइका के तरीक पर नूर का फैज मिलता है। और इबलीस अकड़ गया, बेअदब हो गया, गुस्ताख हो गया, तो फिर जो उस तरीक पर, और फर्क क्या था ये भी मैं साथ बता दूं, मलाइका बाअदब हो गए, इबलीस बेअदब हो गया। तो मलाइका को अदब किस तरीक से मिला, इबलीस बेअदब किस तरीक पर हुआ, आप समझे। तो जब तक मलाइका ने अक्ल से सोचा था वो अदब की तरफ नहीं आए थे। जब अल्लाह ने फरमाया मेरा इरादा है अपना नायब और खलीफा पैदा कर रहा हूं, तो
फरिश्तों ने भी वही कुछ ही देखा था तख्लीक आदम के बाब में जो इबलीस ने देखा था, मुशाहदा मुख्तलिफ नहीं था। इबलीस ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसी मट्टी के खमीर से बनते देखा था और उसी मट्टी के खमीर से पैकर बशरियत हजरत आदम का फरिश्तों ने भी बनते देखा था। इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, अल्लाह ने खुद बता दिया था ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पैकर बशरियत के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, ये अज्जाए तरकीबी हैं, ये अज्जाए तश्कीली हैं बशरियत के पैकर के, यूं बना रहा हूं। आप मेरी बात समझे ना? तो ये मंजर दोनों ने देखा था, ये मंजर दोनों ने देखा, मगर अकल से सोचा तो उनके जहनों में भी इनिशिएटिव जो आया, इनिशियल बात, वो वही सवाल का आया कि ये तो खून खराबा करेगा बंदा और बशर और कत्ल व गारत गरी करेगा, तो ये अल्लाह का खलीफा और नायब कैसे बने? हम क्यों ना बने जो हर वक्त हम्द और तस्बीह और इबादत करते हैं? तो ये जो सवाल किया उन्होंने जनाब इलाही में, अल्लाह की बारगाह में, तो आप सोचिए इस सवाल के पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज़ कार फरमा है? अक्ल, सोच, उस मुशाहदे पर अपना नतीजा अख्ज़ करना, अपनी थॉट, थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, उस मुशाहदे से एक नतीजा अख्ज़ किया तो अक्ल का पूरा प्रोसेस था, रीजनिंग थी। यही रीजनिंग उसके पीछे भी थी। इबलीस ने जब कहा लम अकुन असजुद अल बशर, मैं इस बशर को सजदा नहीं करता, जब उसने कहा तो उसके पीछे भी रीजनिंग वही थी, मगर जब सवाल अल्लाह की बारगाह में हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बातें कही, दो बातें, एक आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी अजमत आश्कार कर दी, अल्लम अल आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, तमाम अशिया के अस्मा और सिफात और अफाल ये आदम को उनका इल्म दे दिया। एक तो इल्मी अजमत आश्कार कर दी और साथ आश्कार इसलिए की कि इतना मुशाहदा करवा देता हूँ, इससे अगर तुम्हारे दिलो दिमाग मुतमैन हो जाएं तो अच्छी बात। फ़काल अम्बेऊनी भी असमा हा उला इन कुन तुम सादिकीन, तुम भी नाम बताओ इन चीज़ों का, वो नाम नहीं बता सके। कालू ला इल्मा लाना इल्ला मा अल्लमतना, जो कुछ तूने बताया मौला हम वही कुछ जानते हैं, इससे ज़ायद नहीं जानते, सरेंडर कर गए। अल्लाह पाक ने फरमाया इतना मुशाहदा करवा देता हूँ तुम्हें अजमत आदम का, अजमत आदम का, अजमत नबुव्वत का, अजमत पैकर नबुव्वत का इतना मुशाहदा करवा देता हूँ, बात समझ में आ जाए तो खैर, वेल एंड गुड, अच्छा है, और अगर फिर भी समझ ना आए तो अगला एक और जवाब सुन लो, वो क्या, इन्नी आलमो मा ला तालमो, कुछ और राज की बातें ऐसी भी हैं जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब क्या हुआ, जब ये बात सुनी तो फरिश्ते सरेंडर कर गए। अब ये बोलिए, ये जब सरेंडर होता है किस शय का सरेंडर होता है? अकल का सरेंडर होता है कि बारी ताला तेरे हुक्म की तामील में हम सरेंडर करते हैं। तो उन्होंने अकल से दस्तकश हो गए, अकल के जो सोच थी जो उन्हें उस सिमत ले जा रही थी दूसरी सिमत, उससे तायब हो गए। तो अकल की जो खाली अकल की जो पर भरोसा करना, उससे तायब हुए तो अदब की राह पे चल निकले। और इबलीस खालिस अकल से तायब ना हुआ, वो उसी पर रहा तो बेअदबी की राह पे चल पड़ा। तो जिन्होंने तरीके अदब इख्तियार किया वो बल इबाद व मुकरमून, वो बुजुर्गी वाले बंदे हो गए, और जो बेअदबी के तरीक पे और हमसरी के तरीक पर खलक तनी मिन नारिम व खलक तहु मिन तीन मुकाबला करने लगा, जो खुद को नबी के साथ तोलने लगा, मुआजना करने लगा, अपने खसायस और खवास और नबी के खवास के दरमियान कंपैरिजन करने लगा,
हमसरी और बराबरी और उनका कंपैरिजन करने लगा तो ये कंपैरिजन उसको बेअदब बना गई, ये कंपैरिजन बेअदब बना गया, बेअदबी ने उसे मर्दूद कर दिया। उसने तौहीद का इनकार नहीं किया था, इबलीस का गुना जिसने उसे मर्दूद बनाया वो शिर्क नहीं था, बल्कि वो तो शिर्क से बचा रहा था अपने आप को कि सिर्फ तुम्हें सजदा करता हूं, किसी और को नहीं करूंगा। उसने तो सारा तौहीद का रोला डाला हुआ था, उसका तो हंगामा शोर शराबा ही इबलीसी तौहीद थी। वो खता कहां खा गया? वो यहां खता खा गया कि तौहीद और अदब नबुवत के फर्क और ताल्लुक को ना समझ सका। वो मुजर्रद तौहीद पर रहा और उससे अदब नबुवत को निकाल लिया। जब मुजर्रद तौहीद से अदब नबुवत निकल जाए तो वो इबलीसी तौहीद होती है, वो गुमराह हो गया। फरिश्तों के पास भी तौहीद थी मगर अल्लाह की तालीम से वो सरेंडर कर गए, और अदब नबुवत जब तौहीद के साथ मिल गया वो मलकूती तौहीद हो गई। ईमान वाली बल इबादो मुकरमून। तो आपने देखा कि वो भी बंदा है, फरिश्ते भी बंदे हैं। इसी तरह मैयत में भी फर्क है, इस तरह इल्म में भी फर्क है, रहमत में भी फर्क है और मैयत में भी फर्क है। तो मैयत हर एक को है, हर एक के करीब है अल्लाह, मगर देखना यह है कि बंदा कौन सा उसके करीब है। तो जब बंदा करीब नहीं होता, इताअत की कुर्बत, इबादत गुजारी की कुर्बत, ताबेदारी की कुर्बत, मोहब्बत की कुर्बत, इखलास की कुर्बत, मारिफत की कुर्बत, जोहद और तकवा और वरा की कुर्बत, जब बंदा ये सीढ़ियां कुर्बत की सीढ़ियां चढ़कर उसके करीब नहीं होता तो उसकी कुर्बत तो भाई हर एक के पास रहती है, मगर उसकी मिसाल उसी बारिश की सी हो जाती है कि बारिश गिरती हर जगह है मगर जमीन के टुकड़े कसूर बारिश का नहीं, कुछ अपने अंदर की गंदगी की वजह से हैजा फूटता है, कहीं से फल फूल फूटते हैं। लिहाजा वो जो बंदा करीब होता है उसे कुर्बत इलाहिया का फैज मिलता है, उसे कुर्बत इलाहिया का फैज मिलता है, फिर वो हम नशीनी खुदा की काम आती है, फिर हम नशीनी खुदा की काम आती है, और फिर वो जो बंदगी है उस बंदे की अल्लाह की हम नशीनी की आँच पर पक कर, उस बंदे की बंदगी अल्लाह की हम नशीनी की आँच पर पक कर, उसकी कुर्बत, उसकी हम नशीनी, उसकी उसके साथ हम मजलिसी, उसकी तपश में पक कर वो बंदगी फिर खास बंदगी बनती है, और वो बंदगी फिर मरकज फैज बनती है, मंबा नूर बनती है, फिर जो उनकी मजलिस में आते हैं वो भी नूर हो जाते हैं। तो यही वजह है अल्लाह पाक ने फिर जब जिक्र किया है ना मैयत का, कायनात में कोई जगह है जहां अल्लाह का साथ ना हो? जी हर बंदे के साथ है, गुनहगार के साथ भी है। नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नस है कुरान की। तो ये कुर्बत एक तरफ जहन में रख लें, और अब इस तरफ आइए। जब वो कहता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो अगर उस साथ और इस साथ में कोई फर्क नहीं, दोनों साथ एक जैसे हैं, तो माज़ल्ला फिर साबरों के साथ मजाक हो रहा है? अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, ऐसा सोचना भी कुफ्र है। तो फर्क होगा ना फिर कुछ मैयत का, गैर साबिर और साबिर के साथ, साथ दोनों के है मगर इसकी मैयत खासा है, उसकी मैयत आमा है। फरमा इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, मैं परहेजगारों के साथ हूं। और फरमाया इसी तरह जैसे अल्लाह को अल्लाह ने फरमाया कि मैं सच्चों के साथ हूं, तो फिर हमें फरमाया कूनू मअस्सादिकीन, मैं सच्चों के साथ होता हूं और तुम सच्चों के साथ तुम भी हो जाओ। इधर मैं उनके साथ होता हूं, इधर से तुम उनके साथ हो जाओ, तो मेरा फैज इन सिद्क और एहसान वालों पर बारिश बन के गिरेगा और तुम्हारी तरफ तुम्हारी जमीनों को सैराब कर देगा। तो अल्लाह के बंदे बादल की मानिंद बन जाते हैं, अल्लाह के बंदे
बादलों की मानिंद बन जाते हैं कि वो अल्लाह के फैज के साथ बादल मामूर होते हैं, फिर बादल जहां बरसते हैं वहां सैराबी हो जाती है। तो ये माइयत में फर्क है। ये वो हदीस थी जिसका मैंने जिक्र किया, पलट के उसी पर आ गए। इसी तरह सीदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़, आपके मकशूफ़ात गौसिया में एक बयान आया है। फरमाते हैं, एक दिन मैंने पूछा, बारी ताला तेरी दावत करनी हो तो कैसे करें? ये दावत मजाज का लफ्ज़ है। अब अगर ज़हन में आ जाए, यहाँ तो फिर हर बात ही ज़हन में आती है ना जी। हर ज़हन साफ़ ज़मीन का नहीं ना होता, साफ ज़मीन का बात ही पकड़नी है। इसलिए जब एक जुमला बाज़ुकात ऐसा साथ दे रहो तो साथ वजाहत करनी पड़ती है कि तेरी दावत करनी हो तो कैसे करें। ये दावत उसी तरह है जैसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा एक बंदे से कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं मरीज़ था, तू मुझे पूछने नहीं आया। अब समझ आ गई? तो बंदा पूछेगा, बारी ताला तू मालिकुल मुल्क गनी है, बेनियाज है, तू भूखा कैसे हो सकता है? तू तो भूखों को देने वाला है, तो मैं तुझे खाना कैसे खिलाता? तो अल्लाह पाक उसको फरमाएगा, वो देखा नहीं, मेरा एक बंदा भूखा था, भूख से जल रहा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो मैं यही समझता कि मुझे खाना खिला दिया। वो मेरा एक बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत के लिए उसके घर चला जाता तो वो मेरी इयादत हो जाती। ये उस माना में है दावत करना। तो अल्लाह के बंदे से कोई मामला किया जाए तो अल्लाह उसको अपने साथ मामला तसव्वुर करता है। हम किसी गरीब की मदद कर दें तो अल्लाह फरमाता है, मैं अपने हाथों से वो सदका कबूल करता हूँ। वक्रदुल्लाह कर्दन हसना, कर्ज हसना अल्लाह को दिया करो। अल्लाह मांगता है, अर्ज अल्लाह को दिया करो, मैं चुका दूंगा। अल्लाह के बंदों से मामला करो तो अल्लाह कहता है कि वो मुझसे मामला कर रहे हो। उस माना में है कि तेरी दावत को जी चाहे तो कैसे करें। फरमाया, मैं फ़कीरों के यहाँ रहता हूँ, अगर मेरी दावत को जी करे तो फ़कीरों को बुला के खाना खिलाया करो, उनके लिए दस्तरखान बिछाया करो, वो तुम्हारा खाना खा लेंगे तो समझो मैं दावत पे आ गया। ये मकशूफ़ात गौसिया में से दो जुमले मैंने सुनाए। मकसूद समझाना ये था कि बंदगी बंदगी में फ़र्क है। बंदगी इसी तरह माइयत और माइयत में फ़र्क है। बात इस मज़मून की, अहले मुकाम मशहूद की बात, अहले मुकाम मशहूद की बात ख़त्म करेंगे तो फिर अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला साहिब मुकाम महमूद की बात की तरफ आएंगे और माना मकाम महमूद की तरफ आएंगे। तो कंक्लूड करते हुए कि मकाम मशहूद की अहल की, तो चूँकि खिज़र अलैहिस्सलाम की बात हुई और मैंने वो आयत भी कोट कर दी, मैंने आयत कोट कर दी, तो वो मकाम मशहूद खिज़र अलैहिस्सलाम अहले मुकाम मशहूद हैं। तो अल्लाह ताला ने दो बातें फरमाई ना, एक ये कि आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, एक तो हमारा बंदा है ख़ास, तो पता चला कि सब बंदे एक जैसे नहीं। अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब और कबूलियत के एतबार से बंदे जुदा जुदा हैं और मामले भी फिर उसी तरह जुदा होते हैं, मामले भी उसी तरह जुदा होते हैं। उसकी बारगाह में सब शहर एक जैसे नहीं, यानी कोई शह ही एक जैसी नहीं है। सीधी बात बता दूं, ये एक जैसा होना और माना में है, वो दुनियावी माना में है, कानून की निगाह में सजा देने और कानून का मामला करने वो और माना है। मगर इन अकरामा को मिंदल्लाह अतकाकुम, फरमाया जो ज़्यादा परहेजगार है वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा बुज़ुर्ग है। उसने तो कानून बना दिया, कोई बुज़ुर्ग तर है कोई कम तर है, कोई बुज़ुर्ग तर है कोई कम तर है। तो शहर एक जैसे नहीं, अब लाहौर भी शहर है, अब लाहौर भी शहर है, पाक पतन भी शहर है, अजमेर भी शहर है, बगदाद भी शहर है, आप समझ रहे हैं, और छांगा मांगा भी शहर है, शेखुपुरा भी शहर है, सारे शहर हैं। मगर किसी शहर के साथ आप लगाते हैं शरीफ, कहते हैं अजमेर शरीफ,
پاکپتن شریف، بغداد شریف، سرہند شریف، بخارا شریف، اور کسی شہر کے ساتھ آپ شریف نہیں لگاتے. اب یہاں پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا جی ایسا کیوں کرتے. سادہ بات ہے وہ یہ کہ بعض اوقات شہر سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک بندہ رہتا ہے، وہ بندہ اس شہر کو باقی شہروں سے جدا کر دیتا ہے. ایک بندے کا مسکن، ایک بندے کا مسکن اس شہر کو سب شہروں میں جدا کر دیتا ہے، اس کو شرافت دے دیتا ہے، بزرگی دے دیتا ہے. یہ اس کی برکت ہے، اس کے قدموں کی برکت، اس کے قدموں کی برکت ہے. یا مجھے ایک لطیف علمی لطیفہ یاد آ گیا، اور علمی لطیفہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بیان کیا ہے، یہ جو ابھی کوٹ کر رہا ہوں، اور بیان کیا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے اجمیر شریف کا ذکر کیا، کہا اجمیر شریف اور بغداد شریف. تو ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ غصے میں آ گئے، ناراض ہوئے اس آدمی سے، اور کہنے لگے اجمیر اجمیر ہے، بغداد بغداد ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ شہر ہے وہ، شریف کیسے ہو گیا؟ یہ بات حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن لی. صوفی تھے، فقیر تھے، درویش تھے، ولی اللہ تھے. پھر صوفی درویش ولی اللہ لوگ جھگڑتے نہیں ہیں، مناظرے نہیں کرتے، الجھتے نہیں. سن لی، وہ سمجھاتے ہیں حکمت کے ساتھ. اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مناظرے کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر گھسون مکے پر بھی نوبت آ جاتی ہے، فتوی بازی پر بھی نوبت، لاٹھی پر بھی نوبت آ جاتی. آپ نے سن لیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب، ایک اور مولانا صاحب آئے مجلس میں، سلام عرض کیا، بیٹھ گئے. تو جو پہلے مولانا صاحب تھے انہوں نے جب بیٹھ گئے تو ان سے پوچھا نئے آنے والے مولانا صاحب سے کہ آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں، آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا مزاج مزاج ہوتا ہے، ان کا مزاج شریف کیسے ہو گیا؟ ساروں کا ہی مزاج ہے، سارے مزاج والے ہی بیٹھے ہیں نا، تو ان کا مزاج شریف ہو گیا، باقیوں کا نہیں ہوا. ان کو سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس علم کی فضیلت ہے نا جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، علم کی فضیلت کے باعث ان کے مزاج کو شرافت مل گئی ہے، مزاج شریف ہو گیا. باقی لوگ اس فضیلت سے محروم ہیں، ہیں وہ بھی انسان مگر ان کے مزاج کو شریف نہ کہا. اجمیر شہر ہے باقی شہروں کی طرح، مگر خواجہ معین الدین اس اللہ کے عبد مقرب کے قدم اور مسکن بنا تو اس کو شرافت مل گئی، کرامت مل گئی. بغداد شہروں کی طرح شہر ہے، مگر سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مسکن بنا اور ہزاروں اولیاء کا مسکن بنا، اس کو شرافت مل گئی. یہ سنت الہیہ ہے. اب یہاں تک ان کی بات، اب میں آگے سمجھا رہا ہوں. یہ سنت الہیہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ملک کنعان اور بیت المقدس کی سرزمین کو ادخل الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، خدا خود ہر زمین کا مالک و خالق ہے، زمین کا خالق ہے. وہ خالق ہو کر ایک زمین کو کہتا ہے اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فلسطین کی سرزمین کو ادخل الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ زمین مقدس کیسے ہو گئی؟ آپ سمجھ گئے بات، یہ قرآن ہے. وہ زمین مقدس کیسے ہو گئی؟ وہاں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں اور سینکڑوں انبیاء کے در ہیں. وہ چونکہ مسکن ہے، مولد ہے، وطن ہے اور مزار ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اس ماحول کو، اس سرزمین کو اللہ نے مقدس کہہ دیا. آیت اسراء میں یہی تو بات ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله.
अब अगर आप ये कहें कि वो अर्ज़ मुकद्दस बनी बैतुल मक़दस की वजह से कि अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, तो मैं दूसरी आयत कोट करके और खोल देता हूँ बात को। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह अपने अब्द मुकर्रब को ले गया एक लम्हे शब में सैर पर, इसरा पर, मस्जिद हराम से इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा तक। अब आगे क्या फरमाया, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द की सरजमीन को हमने मुबारक बना दिया है। यानी खुद मस्जिद अक्सा को सिर्फ नहीं कहा मुबारक, मा बारकना हौलहू, उसके माहौल और गिर्दो नवाह की सरजमीन को मुबारक बना दिया, तो उसके गिर्दो नवाह को मुबारक बनाया। वो जो गिर्दो नवाह है वो हज़रत इब्राहिम का मस्कन है, हज़रत इसहाक का मस्कन है, वो हज़रत दाऊद का है, हज़रत सुलेमान का है, हज़रत मूसा का है, वो रसूल इज़ाम और अंबियाए कराम का इर्द गिर्द मस्कन है। तो उनकी कुबूर और मसाकिन और अमाकिन ने कुरान की ज़ुबान से उनको मुबारक कहला दिया। ये तो कुरान मजीद ने उसूल वज़ा फरमा दिया। इसी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मक्का की सरजमीन और मदीना की सरजमीन को हरम कहा। क्या? और वहाँ के दरख्त काटना भी मना है, खून बहाना मना है। तो हरम मदीना के दरख्त भी नहीं काट सकते, खून नहीं बहा सकते, तो गोया शहर शहर एक जैसे नहीं, ज़मीनें ज़मीनें एक जैसी नहीं, ज़मीनें आगे बढ़िए, मरी में भी पहाड़ हैं, सारा सूबा सरहद पहाड़ों से भरा है, क्या ये हमारे पहाड़ और जबल उहद एक जैसे हैं? बोलिए, एक जैसे? हुजूर ने फरमाया चार पहाड़ जन्नत के हैं, तो उनके पत्थरों का जायजा ले लें, तो उनमें जबल उहद को जन्नत का पहाड़ कहा है। तो अगर आप पत्थरों पर चले जाएं और उनके केमिक उनके एनालिसिस करने लगें, तो फिर तो दास्तान ही किसी और तरफ चली जाएगी। तो हुजूर ने फरमाया ये जबल उहद है, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। हर पहाड़ से तो हुजूर ने प्यार नहीं किया, हर पहाड़ से तो प्यार नहीं किया, फरमाया ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। तो अगर पहाड़ से भी प्यार कर लें तो वो पहाड़ भी पहाड़ों में खास हो जाता है, और उसका शऊर भी शऊर खास हो जाता है। फिर उस पहाड़ पर अगर हुजूर खड़े हों, अबू बकर सिद्दीक खड़े हों, उमर खड़े हों, मौला अली और मुर्तज़ा खड़े हों, तो वो पहाड़ भी वजद में आ जाता है, थरथराता है, और हुजूर कदम मुबारक मार कर फरमाते हैं थम जा है पहाड़, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद खड़े हैं। अब हर पहाड़ तो नहीं थरथराता, वजद में आता। तो ये एक तवील दास्तान है, ये बराबरी का एक फितना है, इसको ज़हनों से निकाल देना चाहिए, ये फितना बराबरी का और फितना हमसरी का। हाँ, बराबरी और माना में है कि कानून की निगाह में गरीब व अमीर सब बराबर हैं, कानून की निगाह में अफसर और नौकर सब बराबर हैं, सदर और वजीर आजम व या आम रियाया कानून की निगाह में सब बराबर हैं, जो जुर्म करेगा सजा पाएगा, कोई कानून से मुस्तस्ना नहीं। ये बराबरी का शरीयत में माना इस तर्ज पे है, ये माना है बराबरी का। हमने बराबरी का पढ़ के सारा का सारा मफहूम ही बदल के रख दिया। बराबरी सोशल है, सोशल इक्वालिटी है, लीगल इक्वालिटी है, वो बराबरी है कि हुजूर ने फरमाया अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी जुर्म करे तो उसको भी सजा मिलेगी, समझाने के लिए। कानून की निगाह में बराबरी है। ये बराबरी है कि अगर अमीर जुर्म करे तो छोड़ दिया जाए, गरीब जुर्म करे तो धर दिया जाए। इस्लाम ने इसकी नफी का, इस इम्तियाज की नफी करके बराबरी कायम की है कि कोई मराहत याफ्ता तबका नहीं, कानून की निगाह में, मुआशरती उसूलों के निगाह में, अदल की निगाह में, अदालत की निगाह में, ये सब बराबर है। ये और माना है, ये जो शूदर है कोई फलां जैसे हिंदू मजहब के अंदर, ये चीज उनकी नफी की गई है। वरना अगर बराबरी को अलल इतलाक ले लें तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरबों से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है,
तो एक तरफ आप फरमाते हैं ला फ़ज़्ल अल अरबियन अला अजमियन, कि किसी अरब को अजमी पर फजीलत नहीं। मैं दो चीज़ों को कंबाइन करके दो डिफरेंट डायमेंशन समझा रहा हूं। एक तरफ फरमाते हैं किसी अरब को अजम पर फजीलत नहीं, ला फ़ज़्ल अल अरबियन अला अजमियन वला अल अजमियन अला अल अरबियन वला अल अहमर अला अस्वद वला अल अस्वद अला अहमर इल्ला बितकवा कुल्लुकुम बनू आदम व आदम मिन तुराब। यह है बराबरी का माना। कोई अरब अजम पर, अजमी कोई अरबी पर, सुर्ख कोई स्याह पर, कोई सफ़ेद सुर्ख पर, सुर्ख स्याह पर, स्याह सफ़ेद पर फजीलत नहीं रखता। यानी इस रंगो नस्ल और कबीले की बुनियाद पर कोई मराआत क्लेम ना करे, कोई प्रीरोगेटिव्स ऐसे क्लेम ना करे, इसकी नफी की है। बराबरी की तलवार के साथ ये यकसानियत कर दी है। तो एक तरफ फरमाया अरब को अजम पर फजीलत नहीं, क्लियर हो गई बात। अब क्या फरमाते हैं दूसरी हदीस, जो हदीस सही है, फरमाया अरबों से, अरब से मोहब्बत करना अलामत ईमान है। क्यों? कि मैं अरब हूं। तो जब अरब को फकत बतौर अरब के अजम के मुकाबले में देखें तो बराबर हैं, मगर अगर अरब के आईने में मुस्तफा का कबीला देखें तो अरब सबसे अफजल है। उसको नस्बत के तराजू में रख लें तो अरब से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है, क्योंकि नस्बत मुस्तफा है। और अगर अरबी और अजमी और तनाजुर में देखें तो बराबरी है। आप समझिए, फिर सारे कबाइल बराबर हैं, मगर फरमाया कुरैश अफजल हैं। कुरैश में बनु किनाना अफजल हैं, बनु किनाना में बनु हाशिम अफजल हैं। और फरमाया अना खैरुकुम बैतम व अना खैरुकुम नफ्सा, फिर जिस घर और खानदान में मैं हूं वो कायनात के सब खानदानों से अफजल है। तो मेरा नसब भी अफजल, मेरा हसब भी नफजल अफजल। तो आपने देखा ना कि नस्बत ने हसब में नसब में कहीं नफी है कहीं इकरार है। हर एक को अलग अलग तराजू पर रख के तोला जाता है। अंधे की लाठी इकट्ठी नहीं चलाई जाती, जैसे अंधे की लाठी है ना। अब एक तरफ नसब परस्ती की मुखालिफत समझाई दीन ने, नसब परस्ती की मुखालिफत समझाई, ताकि इसकी बुनियाद पे कोई प्रेरोगेटिव और डिस्टिंक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम न करे, सोसाइटी में एग्जेम्पशंस क्लेम न करे। इस मकसद के लिए नफी की, और ईमान बरकत और शफात के मकसद के लिए फरमाया कयामत का दिन हर नसब मुनकता हो जाएगा सिवाय मेरे नसब के। मेरा नसब क़यामत के दिन भी रहेगा और शफात का बायस बनेगा। तो आपने देखा इम्तियाज, एक तरफ अकरबा परवरी की नफी की, अकरबा परवरी की खातिर इम्तियाज की नफी की, मगर दूसरी तरफ अपनी अहले बैत से मोहब्बत करना, इसको अलामत ईमान बना दिया। फरमा अहिब्बु अहले बैती बिहुब्बी वहिबूनी बेहुबिल्लाह, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की खातिर। तो देखो इसमें नस्बत नसब की आ गई, अहले बैत की अफजलियत आ गई, सारे इंसान बराबर हैं, मगर फरमाया नहीं, जो मेरे सहाबा हैं वो तमाम जबानों से अफजल हैं। मेरे सहाबा सब जबानों से खैरुल कुरून करनी फुम्मल्लज़ी नजलूनहुम फुम्मल्लज़ी नजलूनहुम, सबसे अफजल मेरा जमाना मेरे सहाबा। फम अहिब्बू असहाबी बेहुब्बी, मेरे सहाबा से मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे असहाबा की इज्जत हुरमत का ख्याल करो। इसका क्या मतलब है? बाकी इंसानों की इज्जत का ख्याल ना करो? नहीं, सब की इज्जत हुरमत का ख्याल करो, मगर मेरे सहाबा को सबसे अजीज तर जानो, चूंकि मेरे सहाबी हैं। सब सहाबा से मोहब्बत करो, फिर मेरे सहाबा में जो मेरे अहले बैत हैं उनसे बढ़कर मोहब्बत करो, चूंकि मेरा खून है। फिर मेरे अहले बैत सारे बुलंद दर्जा रखते हैं, मगर मेरी अहले बैत में जब फातिमा की बारी आए, बता तो मिन्नी मेरे जिगर का टुकड़ा है, और उसको राजी करो कि खुदा राजी होता है। आप बात को समझे? फिर आगे बढ़कर हर एक के साथ सब बच्चों से प्यार करो,
सब बच्चों से प्यार करो, जो बच्चों से प्यार नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं। ये एक एक तरह का प्यार है, मगर जब हसन और हुसैन की बारी आती है तो फरमाया मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी व मन अबगज़हुमा फकत अबगज़नी। जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुक्स किया उसने मुझसे बुक्स किया। यहां तख़सीस कर दी, यहां बोलिए तख़सीस कर दी। तो मकसद बात का यह है कि बराबरी के माना को समझना चाहिए। हर बराबरी के दायरे में अफजलियत भी होती है, हर बराबरी में बुजुर्गियां होती हैं, हर बराबरी में इस्तिसना होते हैं, एग्जेम्पशन होते हैं। हर बराबरी और हर किस्म की मुसावात के अंदर दराजात होते हैं, दराजात होते हैं। तो हर चीज एक जुमले से मिसमार नहीं कर दी जाती, वरना दीन का पूरा तसव्वुर का कबाड़ा हो जाए। तो ये बात यह है कि जो असहाबे मकाम मशहूद हैं वो औलिया हैं, वो सालेहीन हैं, वो मुकर्रबीन हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, जिनका जिक्र सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की के लिए जो मैंने आयत कोट की, तो उनके वो कोट करता हूँ कि किस तरह थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ज़रा ऑब्जर्वेशन भी कराते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट कुरान ने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करवाई है, कुरान ने डेमोन्स्ट्रेशन करवाई है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करवाई है कुरान ने, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करवाई है, दिखाया है। वो कैसी रहमत अता की खास, तो उस खास रहमत का मुजाहरा कुरान कहता है। यूं हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब घर से चले और हज़रत यूशा बिन नून आपके खलीफा आपके साथ थे, तो मछली भून ली थी रास्ते में खाने के लिए। अब कच्ची मछली तो नहीं ना खाई जाती, जिंदा कच्ची मछली तो कपड़े में लेके नहीं ना चलते। मछली भून ली थी, पका ली थी, ताकि जब भूख लगी तो खाएंगे। तो जिस तालाब पर मारजल बहरेन, जहाँ दो दरिया या दो समंदर मिलते थे, वो जो मुलाकात खिज़र का मुकाम मुअय्यन था। अब उस मुकाम की पहचान कैसे हुई, कोई अता पता नहीं बताया था, अलामत विलायत ही बताई थी, बस अलामत विलायत बताई थी। रहमत खास सा और इल्म लदुन्नी, ये अलामत विलायत थी। एड्रेस नहीं बताया था, फलां ज़िला फलां तहसील फलां डाखाना खास फलां गली फलां हाउस नंबर नहीं, चल पड़े, पता कोई नहीं, अलामत है। वो क्या, एक तालाब पे रुके, रेस्ट किया, फिर आगे चल पड़े। रास्ते में भूख लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूशा खोलो ज़रा खाना, जो भुनी हुई मछली भूख लगी है खाएं। जब उन्होंने देखा तो उनको भूल गई थी बात, उन्होंने उस वक्त याद आई, उन्होंने कहा हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, वो जिस दरिया पे हम रुके थे वो वहाँ जो भुनी हुई मछली थी वो जिंदा होकर दरिया में भाग गई थी। भुनी हुई, कटी हुई, मुर्दा, कटी हुई, भुनी हुई, बशक्ल सालन, वो मछली जिंदा होकर दरिया में भाग गई थी। वत्ताखज़ा सबीलहु फिल बहरे सराबा, तो एक सुरंग बनाकर दरिया में निकल गई थी, भाग गई थी जिंदा होकर। अब कुरान मजीद के अल्फाज तवज्जो तलब है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी कि उस जगह मुर्दा भुनी हुई कटी हुई मछली जिंदा हो गई थी, तो फरमाने लगे ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, ओ यूशा बिन नून वही जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले थे। अब ज़ालिका मा कुन्ना नबगी वही जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले थे। अब आप खुद सोचिए कि ये कहना कि वही जगह थी जिसकी तलाश में निकले थे, इसका सबब इल्लत क्या बनी, मुर्दा का जिंदा हो जाना। जिस जगह मुर्दा मछली जिंदा हो गई थी वहीं खिज़र मिलेगा, ये अलामत विलायत है, ये वली की अलामत है। मछली मुर्दा मछली का जिंदा हो जाना इस बात का इस्तियारा और इशारा है कि वली की मजलिस में अगर मुर्दा दिल कोई जाए तो वो जिंदा हो जाते हैं। यह हम नशीनी का फैज होता है,
یہ ہم نشینی کا فیض ہوتا ہے, مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں, روحانی موت کو حیات میں بدل دیا جاتا ہے. یہ استعارہ اور اشارہ تھا. ہم وہیں اس جگہ فرتدا علی آثارہما قصصا, وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس پلٹے جب اس مقام پر گئے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی. تو قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا, عین اسی مقام پر ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو انہوں نے پا لیا. اب آپ سمجھ گئے. تو گویا بندہ خاص کی پہچان کیا ہوئی, جہاں موت حیات میں بدل جائے. خاص بندگی اور بندہ خاص, اس کی پہچان کیا ہوئی, جہاں موت حیات میں بدل جائے. تو ایک بندہ مردود ہے, نامقبول ہے, راندہ درگاہ ہے, اس کی مجلس میں کوئی بیٹھے تو شاید بچی کھچی تھوڑی دل کی زندگی بھی موت میں بدل جائے. اور ایک بندہ مقبول ہے, مقرب بارگاہ الہی ہے, وہاں مردہ دل بھی اگر صدق سے آ جائے تو اس کی مردہ دلی حیات میں بدل جائے. پہلی علامت. پھر دوسری علامت, چونکہ علم کا ماجرا تھا دوسرا, تو راستے میں قرآن مجید کہتا ہے کشتی نظر آئی, سفر کیا, اچھی نئی کشتی تھی, تو آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھی بھلی کشتی, انہوں نے قصور نہیں کیا, ہمیں سفر کروایا, ہماری عزت افزائی کی, تو آپ نے کشتی کیوں توڑ دی؟ تو علم ظاہر میں اس کا سبب واضح نہ تھا. تو یہ بعد میں اینڈ پر جب راستے جدا ہو گئے اور مجلس صحبت اور رفاقت مسافرت جب ختم ہوئی تو تب آپ نے جواب دیا. تو اس وقت بتایا کہ سبب یہ تھا کہ بادشاہ وقت اچھی نئی کشتیاں جو دیکھتا تھا اس کو غصب کر رہا تھا, اپنے قبضے میں لے رہا تھا. یہ بیچارے غریب, یہ غریب بچوں کی کشتی تھی, جوانوں کی نئی کشتی تھی, بادشاہ اگر آ جاتا دیکھ لیتا تو اس کو غصب کر لیتا. تو میں نے اس لیے توڑ دیا کہ اب بادشاہ کی جب نگاہ پڑے گی تو دیکھے گا کشتی ٹوٹی ہوئی ہے, یہ تو بعد میں مرمت کروا لیں گے, مرمت تو ہو جائے گی, مگر ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کر بادشاہ چھوڑ دے گا, ان کا روزگار کا ذریعہ ہے, میں نے وہ بچا دیا. تو یہ اسرار اور باطن کے رموز ہیں. تو ولایت اسرار باطنی کو دیکھتی ہے, رموز مخفیہ کو دیکھتی ہے. اور اس میں اشارہ کدھر گیا, ہر ایک کا اشارہ بھی بتا رہا ہوں نا, معنی اشاری. جیسے مردہ مچھلی کا زندہ ہونا, اس کا معنی اشاری یہ ہوا کہ مردہ دل حیات پاتے ہیں. اب کشتی کو توڑنا اور غصب کرنے والے بادشاہ سے بچا لینا, اس کا ایک معنی اشاری بھی ہے تصوف میں, سلوک میں, معرفت کے علم میں. معرفت میں بھی ایک معنی ہے, اور وہ معنی کیا ہے کہ جس طرح کشتی اچھی تھی, بنی سوری تھی, تو غاصب بادشاہ قبضے میں لے لیتا, توڑ دیا تاکہ بادشاہ اس کو چھوڑ دے. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندے, غاصب بادشاہ سے مراد شیطان ہے, اور دیکھتا ہے کہ کس کا نفس بنا سمرا ہوا ہے, جس کا تن بدن اور نفس بنا سمرا ہوا ہو اور وہ نفس کو پالتا ہو, تو پلے ہوئے نفس کو شیطان فوری اپنے قبضے میں لے کے گمراہ کر دیتا ہے. اے بندے, تو اگر شیطان کے قبضے سے بچنا چاہتا ہے تو نفس کو عشق الہی کی ضرب کے ساتھ توڑ دے, شکستہ کر دے. راتیں جاگ جاگ کر نفس اور بدن کو شکستہ کر دے, زہد اور ورع اور گریہ و زاری کے ذریعے اپنے نفس کو شکستہ کر دے. جتنا تیرا دل شکستہ ہوگا, ٹوٹا ہوا ہوگا, اور تیرا نفس گریہ و زاری کی ضربیں لگ لگ کر جتنا ٹوٹ جائے گا, اور راتوں کے جگرتوں سے تیرا نفس جتنا شکستہ ہوگا, اور عشق الہی کے تصور میں تیرا نفس اس آگ میں جل جل کے جتنا خستہ ہوگا, جب شیطان غاصب بادشاہ بن کے نفوس کی تلاش میں نکلے گا تو ٹوٹا پھوٹا نفس سمجھ کے چھوڑ دے گا, اس طرح تیرا نفس شیطان سے بچ جائے گا. علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی ہے, تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے, تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے, کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ,
कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये आईना ए दिल और नफ्स इंसानी अगर समरा हुआ पला हुआ हो तो शैतान को पसंद है, वो कब्जा कर लेता है, और अगर आईना ए दिल और नफ्स इंसानी टूटा हुआ खस्ता हो तो रब करीम को पसंद है, वो चुन लेता है। तो यहां से सलूक की इब्तिदा होती है कि फाके किए जाएं, बहुत पेट भर भर के ना खाया जाए, बेतहाशा ना खाया जाए, बेतहाशा न सोया जाए, नफ्स को पाला ना जाए। पालना है तो लोगों रूह को पालो, जिक्र की इबादत से, जिक्र की खिजा से, इबादत की खुराक से, इश्क इलाही के पानी से, इत्तेबाए रसूल की गोदी करो, हुजूर के ताल्लुक और निस्बत और मारिफत इलाही का बीज बो, माली बन के इस नफ्स की जमीन में हल चलाओ, खस्ता चलो, आंसुओं गिरियों जारी के पानी से इसको पानी दो ताकि उसकी मोहब्बत और मारिफत के फूल उगे, शैतान से बचो और रहमान के मकबूल हो जाओ। यह है दूसरा राज इल्म विलायत का, तीसरा और आखिरी और आज की नशिस्त का कंक्लूजन। वो तीसरा वाकया पेश आया कि जब एक शहर में गए तो न उन्होंने रहने की जगह दी, न खाना दिया, मेहमान नवाजी भी नहीं की, मगर वहाँ एक दीवार थी, गिरी पड़ी थी और गिर रही थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर कर दिया। उससे पहले बल्कि एक बच्चा था, वो खेल रहा था बच्चों के साथ, एक लड़का, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने पकड़ के उसको कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये मासूम बच्चा, इसका तो गुनाह कोई नहीं, इसको क्यों कत्ल कर दिया? तो एंड पर जब तीनों सवालों का जवाब दिया इकट्ठा तो उस वक्त फरमाया, इसलिए इसको मार दिया कि जवान होकर काफिर बनना था इसमें। अब उस वक्त तो वो काफिर नहीं हुआ था, ये निगाह विलायत है। यही बजरिया मूसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदी को और इंसानियत को सबक देना मकसूद था। यही सबक मैसेज देना मकसूद था। उस वक्त तो बच्चा था, अभी तो काफिर नहीं हुआ था ना, वो तो फ्यूचर की बात थी, जवान होता काफिर बनता। तो कैसे देख लिया? बस निगाह विलायत। तो एक निगाह खास है, एक निगाह आम है। वली की निगाह जो मुस्तकबिल में उसने काफिर बनना है, लौहे महफूज पे अर्श पे वो तकदीर पढ़ लेती है, वो तकदीर पढ़ लेती है। सो उसको मार दिए। फरमाया फिर वालदैन भी इसकी शफकत पिदरी और मोहब्बत की वजह से गुमराह हो जाते और ख़राब होते। तो इसको काफिर होने से बचा लिया और वालदैन को इसकी मोहब्बत में गुमराह होने से बचा लिया, दोनों के अंजाम बचा लिए। और फिर हमने इरादा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, आपके रब ने इरादा किया कि अब इनका नेमल बदल अल्लाह अता कर दे, दुआ की कि बारी ताला इसका नेमल बदल भी दे दे। तो नेमल बदल में बेटी मिली और आइम्मा तफसीर ने लिखा है कि जब वो बेटी मिली तो ऐसी खुशबख्त नेकबख्त बेटी हुई कि उसकी नस्ल से 70 अंबिया अगले जमानों में चल के पैदा हुए। यानी ये फैज़ विलायत है, ये बरकत है हम नशीनी सोहबत की, बंदगान खास की, असाब मकाम मशहूद की बरकात हैं कि उसको कुफर के अंजाम से भी बचाया, लोहे महफूज पे लिखी हुई तकदीर भी पढ़ ली, और वो उसके माँ बाप को भी गुमराह होने से बचाया, उनकी तकदीर पढ़ भी ली, बदल भी दी। जब गुमराह होने से बचा लिया तो तकदीर बदल गई। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, वो रब जो चाहता है तकदीर लिख देता है, न लिखी हो तो लिख देता है, लिखी हो तो मिटा देता है। यमहुल्लाह मिटा देता है लिखी तकदीर को, अल्लाह के हाथ में है। व युस्बित, और अगर न लिखी हो तो लिख देता है, ये भी अल्लाह के हाथ में। व इंदहु उम्मुल किताब, लौह महफूज अल्लाह के हाथ में है। मगर वो लिखता और मिटाता कैसे है तकदीरें? खुद नहीं, इसलिए कि न कभी गलत लिखता है न गलत मिटाता है, उसने तो लिख दिया। तो जब लिख दिया
तो फिर मिटाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बात तवज्जो तलब है। जब उसने तकदीर लिख दी तो यमहुल्ला, फिर मिटाता क्यों है? लिखी किसी गैर ने थी? बोलिए, किसी और ने लिखी थी कि अल्लाह ने उसको देखा कि माज़ल्ला गलत है, मिटा दूं? लिखी भी तो उसी ने थी तकदीर, तो जब लिखी अल्लाह ने है तो फिर मिटाने की नौबत क्यों आई? क्या माज़ल्ला गलत लिखी थी? नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, लिखी भी हक थी, मिटाई भी हक। लिखी थी तकदीर यही थी, मिटाई क्यों? उसके अब्दे मुकर्रब ने, किसी वली ने, अहले मकाम मशहूद में से, उसके मुकर्रब महबूब बंदों में से किसी ने हाथ उठा दिया और अर्ज़ किया बारी ताला यूं ना कर, यूं कर दे, यूं ना कर, ऐसा फरमा दे। करना तो उसी रब ने है। वइंदहु मुल्कुल किताब, लोए महबूब का मालिक बंदा नहीं, वही रब है, है वही रब। मगर फर्क यह है कि उसके बंदे ने हाथ उठा दिया तो अल्लाह ने कहा मेरा न लिखने से कुछ बिगड़ता है, न लिखी को मिटाने से कुछ बिगड़ता है, मेरे बंदे ने मिटाने की दरख्वास्त कर दी तो बंदे, मामले तो सारे रजा तेरे लिए हैं, तो अल्लाह बंदे की दरख्वास्त पर तकदीरें मिटा देता है, और न लिखी हो तो लिखी, न लिखी हो तो लिख देता है, न लिखी हो तो लिख देता है और लिखी हो तो। तो गोया इस आयत से यह पता चला कि तकदीरें न लिखी जो लिखी जाती हैं वो अज खुद अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ती, वो बेनियाज है, नहीं लिखी तो नहीं, ना लिखना ही तकदीर है, मगर जब लिखता है तो किसी महबूब बंदे की दरख्वास्त पे लिखता है, और अगर लिख देता है तो लिख कर मिटाता है। क्यों मिटाता है? किसी मकबूल बंदे की दरख्वास्त पर मिटाता है। और यहां सवाल पैदा हुआ कि वो लिखता है किसी की दरख्वास्त पे, मिटाता है, ऐसा करता क्यों है? उसने साथ ही जवाब दिया इंदहु उम्मुल किताब, आपको क्या प्रॉब्लम है? लोहे महफूज का मालिक ही मैं हूं, जो चाहूं लिखूं, जो चाहूं मिटा दूं, आपको क्या है? क्यों मिटाता है? खुदा के किसी काम पर क्यों नहीं है? जवाब दिया उस, वो मालिक है, मैं लोहे, मेरी लोहे महफूज है, जो चाहूं लिखूं, जो चाहूं मिटा दूं। आप भी तख्ती नहीं लिखते? अब तो वो तख्ती के जमाने नहीं रहे, पहले जमानों में वो कच्ची पक्की दूसरी जमात में प्राइमरी स्कूलों में तख्ती लिखाते थे और गाचनी मट्टी होती थी, लिखते भी थे और मिटाते भी थे, करते थे ना, लिखते भी थे मिटाते भी थे। तो इतनी कदर आपकी ताकत है, आप भी तख्ती पे लिखते और मिटाते हैं, वो तुम्हारी ताकत है, और लोहे महफूज उसकी शान के लायक उसकी तख्ती है, जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे, जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। क्यों? इंदहु उम्मुल किताब, वो उम्मुल किताब का मालिक है, और लिखना मिटाना उसके बंदों की दरख्वास्त पर है। तो खिज्र अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की, दरख्वास्त में उसका नेमल बदल दे दिया, और ऐसी बेटी दी नेमल बदल कि 70 नबी फिर उसकी नस्ल से आगे नसब में से चले मिले। फिर आखिरी वाकया पेश आया, ये इल्म विलायत है, ये तसर्रुफ़ विलायत है, ये बरकत विलायत है, और फिर उस शहर में गए जिसका जिक्र कर रहा था, तो दीवार गिर रही थी, उसको बना दिया, तामीर कर दी, और मजदूरी भी नहीं ली, हालांकि उन्होंने को वेलकम भी नहीं किया था, मेहमान नवाजी भी नहीं की थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इन लोगों के साथ ये भलाई क्यों की? अब वो जो बगदाद शरीफ और अजमेर शरीफ की बात समझ में आ जाएगी। फिर दोबारा एक और कुरान की आयत आ गई, इनके साथ भलाई क्यों की? तो जवाब यह है कि शहर वालों की वजह से नहीं की, ये शहर वालों की वजह से नहीं की। कभी एक बंदे की वजह से करते हैं भलाई और फायदा सबको हो जाता है। ये दो यतीम भाई थे, दो बच्चे, उनकी दीवार थी, उनकी दीवार थी, और ये भी सुन लें कि कहीं ये ना समझ लें कि वो यतीम परवरी के तौर पे तामीर की, नहीं, और भी कई यतीम होंगे शहर में, हर यतीम की दीवार तो नहीं बनाई जाकर, और भी कई यतीम होंगे, मगर सारे यतीमों की दीवारें तो नहीं तामीर की, सिर्फ इन दो यतीमों की की। क्यों? कुरान कहता है कान अबू हुमा सालेहा,
इनकी जद में, पांचवी जद में इनका एक बाप वली था। इनका बाप मर्दे सालेह था, इनका बाप मर्दे सालेह था। और तफासीर में आता है कि वो पांचवीं चौथी जद में था जो बाप जिसको कहा अबू हुमा, वो वली हो गुजरा था मर्दे सालेह। तो गया चूंकि उनकी औलाद थी, यतीम थे, बड़े होते पता नहीं कैसे बनते कैसे न बनते, इनका अमल इनके साथ, हमने तो इनके उस नेक साले बाप की वजह से हया किया, तो निस्बत की लाज रखी, निस्बत की लाज रखी। तो आपने देखा। और दूसरी बात जो सैयदना उमर फारूक ने रिवायत की, सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने जिसको रिवायत किया, तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रिवायत किया दलाइल बेहकी में और मुसनद बज़ार में, और जिसको आइमा ने, मुहद्दिसीन ने लिया, इमाम कुस्तुलानी ने लिया, काजी अय्याज, बहुत सारी कुतुब ने लिया, मुहद्दिसीन ने, असहाबे सैयर ने, आइमा तफसीर ने, आइमा हदीस ने, आइमा फजाइल व मनाकिब ने इन हदीस को लिया। वो ये कि वो सबब बयान किया कि उस मकान तहता कन, उस दीवार के नीचे एक ख़ज़ाना, वकाना तहतहू कंजुल्लाह, उन दोनों का एक के लिए ख़ज़ाना, उनका जो बुज़ुर्ग बाप था वली, वो एक ख़ज़ाना दबा के गया था छुपा कर, दीवार गिर जाती नंगा हो जाता, लोग ख़ज़ाना ले जाते। एक तो उनके बाप जो मर्द हक मर्द वली था उसका हया सबब बना, और दूसरा एक बड़ा लतीफ़ सबब बना जो मैंने हवाले दिए बेहकी और मुसनद बज़ार के, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना अली और इब्ने अब्बास से मरवी, कि वो जो ख़ज़ाना दफन था उस ख़ज़ाने पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुज़ूर का इस्मे गरामी और कलिमा मुहम्मद ही लिखा हुआ था, वो हुज़ूर के इस्मे पाक का हया था, उसका अदब था, उसकी ताज़ीम व तकरीम थी। दीवार तामीर कर दी कि जवान होंगे तो ख़ुद निकाल लें, कोई और चोर ना ले जाए, इसलिए कि जो हुज़ूर के इस्मे पाक का ख़ज़ाना ये चोरों के लिए नहीं है, इसमें पाक का फैज चोरों के लिए नहीं है, ये गुलामों के लिए है, ये इताअत गुजारों के लिए है, कि कहीं शहर के चोर न ले जाएं, नहीं बड़े होके ख़जाना ले लेंगे। तो देखा कि तीनों असबाब विलायत में बयान किए, तो दीवार का तामीर कर देना, ये दीवार का तामीर कर देना ताकि ख़ज़ाना छुपा रहे, ये इशारा इस अमर की तरफ है कि जब आप नफ्स को शिकस्ता कर देंगे और रूह की दीवार को तामीर करेंगे, रूह की इमारत को तामीर करेंगे और उसे मजबूत तर करेंगे, तो फिर जो ख़ज़ाना मिलेगा अल्लाह की मारिफत का, विलायत का, करामत का, इनायात का, लुत्फ़ करम का, फ्यूज़ात का, बरकात का, शर्त यह है कि जवान होने यानी कामिल हो जाने तक वो ख़ज़ाना छुपा रहे, नंगा नहीं करना वरना नुकसान होगा, और जब शबाब और कमाल पे पहुंच जाएं तो फिर एक वक्त आता है फिर उसको बेनकाब कर दें ताकि ख़ुद भी फैज़ लें और लोगों को भी फैज़ दें। ये था फवजदा अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों बंदगान ख़ास में से एक बंदे को पा लिया, और ये जो बंदगान ख़ास में से बंदे को पाया ये वो लोग हैं जो असहाब मशहूद हैं, जिनकी मजलिस हाज़री की मजलिस है और हुजूरी की मजलिस है, मशहूद के दो माना कर रहा हूँ, इनकी मजलिस हाज़री की मजलिस है और बोलिए हुजूरी की मजलिस है, यानी इनकी मजलिस में मलाइका हूँ या अरवाह मुबारका और अरवाह सालेहा हूँ, या मलाइका हूँ या रिजाल हूँ और इबाद और अल्लाह के बंदे, वो हाज़िर होते रहते हैं, इसलिए इनकी मजलिस मजलिस मशहूद हाज़री की मजलिस है, और इनकी मजलिस सिर्फ हाज़री की नहीं हुजूरी की भी होती है, कि इनकी मजलिस से बारगह मुस्तफ़ा की हुजूरी भी मिलती है और बारगह खुदा की हुजूरी भी मिलती है, इनकी मजलिस बारगह मुहम्मदी से ताल्लुक़ जोड़ती है और बारगह उलूहियत के साथ ताल्लुक़ जोड़ती है,
बंदे का ताल्लुक अगर अल्लाह से कट गया हो तो अल्लाह वालों के जरिए जुड़ जाता है। तो ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना हो तो अल्लाह वालों के जरिए जोड़ा जाता है। बोलिए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना हो तो अल्लाह वालों से जोड़ा जाता है, अल्लाह वालों के जरिए जोड़ा जाता है। हुजूर की बारगाह से ताल्लुक जोड़ना हो तो नस्बते मोहम्मदी वालों के जरिए ताल्लुक मोहम्मदी जोड़ा जाता है। वो लोग जो खुद नस्बते मोहम्मदी से मारूम है, उनके पास मारिफत मोहम्मदी नहीं है, उनके पास खजाना मोहम्मदी का इल्म नहीं है, वो हुजूर की शान क्या समझेंगे और क्या समझाएंगे। वो मारिफत मुकाम मुस्तफा से मारूम है, वो हुजूर के मुकाम को क्या समझेंगे क्या समझाएंगे। और जो लोग मारिफत इलाहिया के खजाने से मारूम हैं, वो लोगों को उसकी तौहीद की मारिफत क्या देंगे क्या समझाएंगे। इसलिए कि ये सारे खजाने किताबों से तो मिलते ही नहीं हैं, ये तो सोबत से मिलते हैं, ये तो संगत से मिलते हैं, ये तो रब को ताल्लुक से मिलते हैं। औकात है ना, तो वो औकात बाकी औकात पर मुकद्दम हुए। रात का वक्त तहज्जुद का बाकी औकात पे मुकद्दम हुआ, कुछ मजलिसें दूसरी मजलिसों पर मुकद्दम हुई, जहां मलाइका आए, जहां हुजूरी हुई, जहां हाजरी हुई, जो मजलिस मशहूद हुई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फिर ये खजाने, ये निस्बतें लेनी हो तो ये किताबों से नहीं मिलते, ये खजाने ये मजलिस से मिलते हैं, ये शहूद व शहादत से मिलते हैं, ये अहले मुशाहदा के जरिए मिलते हैं, ये मजाले से मशहूदा के जरिए मिलते हैं। लिहाजा उन मजालिस और उनके ताल्लुक से मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह कि जो रुतबे और दो दर्जे सहाबाए कराम को मिले, ये दर्जे, ये रुतबे, ये मुकाम, ये मारिफत, ये किताबों से नहीं मिलते फकत, ये सोबतों से मिलते हैं। अगर किताबों से, फकत किताबों से, फकत ताक्कुल से, फकत फहम और बसीरत से, फकत फरासत से अगर ये मर्तबे मिल जाते दीन में, तकवा में, रूहानियत में, ये मर्तबे मिल जाते तो सहाबा कराम के बाद के दौर में जो जो ज़माना आगे बढ़ता गया, किताबी इल्म में इजाफा होता गया, किताबी इल्म में हर बात के ज़माने में इजाफा होता गया। जितना इल्म ताबईन के दौर में एक एक ताबई के पास था, वो जो उलमा ताबई थे, वो सहाबा के दौर में चंद एक को छोड़कर अक्सर सहाबा में एक एक फ़र्द के पास नहीं था। चूँकि सहाबी ने एक फ़र्द के तौर पे इल्म लिया और ताबई ने बाज़ू का सौ सौ सहाबा का इल्म जमा किया, पांच पांच सौ सहाबी का इल्म एक ताबई ने जमा किया, तो एक एक ताबई के पास बसा औकात पांच पांच सौ सहाबा का इल्म था। और जब तबा ताबे हुए तो एक के पास सैकड़ों ताबेईन का इल्म था। तो जमाना जो जो आगे होता चला गया, इल्म फैलता गया, वुसत होती गई, बढ़ता गया, अंबार लगते गए। और जो किताब, जितनी अहादीस इमाम बुखारी ने याद कर ली, 200,000 फरमाते हैं सही हदीस मुझे याद हुई, जिनमें से बुखारी तरतीब थी, किसी एक सहाबी को भी इतनी हदीस याद थी? बोलिए, जितनी के तन्हा इमाम बुखारी को याद थी और जमा की, किसी एक सहाबी को थी? जितनी इमाम मुस्लिम को 5-6 लाख अहादीस याद थी और उनसे सही मुस्लिम तरतीब दी, किसी एक सहाबी को तन्हा इतनी हदीस याद थी? मेरी बात आप समझे, इमाम अहमद बिन हम्बल को 10 लाख अहादीस याद थी, 10 लाख, किसी एक सहाबी को इतनी याद थी? तो इल्म जो जो आगे बढ़ता गया, जमाना बढ़ता गया, किताबी इल्म वसी तर होता गया, किताबी इल्म बढ़ते गए और इबादतें भी बढ़ती गईं। इमाम आजम अबू हनीफा ने 40 साल इशा के वजू से नमाज फजर अदा की, 6,000 मरतबा जिंदगी में ख़त्म कुरान किया इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने 40 बरस इशा के वजू से नमाज फजर भी, और हर रात खड़े होकर अपने नवाफिल में एक कुरान का ख़त्म करते। और इस तरह सैकड़ों औलिया, उलमा, आइमा, मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन,
तो इल्म भी बढ़ता गया, इबादत गुजारी बढ़ती गई, रियाजत बढ़ती गई, सभ्यदारी बढ़ती गई, रियाजात मुजादात बढ़ते गए। तो बताना चाहता हूं सब कुछ बढ़ता गया, एक शय नहीं बढ़ी, दर्जा नहीं बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, मगर सब कुछ बढ़ने के बावजूद दर्जा किसी का सहाबी से नहीं बढ़ा, सहाबी जैसा भी नहीं हुआ, सहाबी के बराबर भी नहीं हुआ। अब विलायत में, दुनियाए विलायत में सुल्तान है सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसु सकलैन हैं, मुल्हिकुल असागिर बिल अकाबिर हैं, कुम बेज़निल्लाह से मुर्दे जिंदा होते रहे, विलायत के शहनशाह हैं, मगर हुजूर गौसुल आजम जैसे अगर कई गौसुल आजम भी होते तो हुजूर के एक सहाबी के बराबर भी दर्जा नहीं पा सकते। कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई फकीह, कोई इमाम फिका का, तारीख का, सीरत का, हदीस का, कोई मुज्तहिद, हत्ता के सारे अइमा मुज्तहिदीन समंदर बना ले इल्म के, रियाजत के, शब्बेदारी के, तकवा के, परहेजगारी के, मगर सारी फजाइल के बावजूद आका अलैहिस्सलाम के एक अदना सहाबी के भी बराबर रुतबा नहीं हो सकता किसी वली का, हत्ता के कुल औलिया का भी नहीं हो सकता। क्यों? तो पता चला कि ये जो कबूलियत है ऊपर की, ये जो कुर्बत है ऊपर की, ये जो रुतबा बंदी है, दर्जा बंदी है, ये न किसी किताब से है, न किसी रियाजत से है, न किसी और सबब से है, ये सोहबत से है, ये सोहबत से है। बाद के जमाने वालों को सब कुछ मिला, मगर जो सोहबत अबू बकर को मिली वो उनको न मिली थी, जो सोहबत उमर इब्ने खत्ताब को मिली, जो उस्मान इब्ने अफान को मिली, जो अली मुर्तजा को मिली, वो सोहबत किसी को न मिली थी। हालत ईमान में जिस चेहरे को उन्होंने देखा था, उन जाहिरी आंखों से वो लोग वो चेहरा न देख सके, बस उस चेहरे के तकने ने उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया, उस सोहबत ने, संगत ने, रफाकत ने, उस हम नशीनी ने, उस हम बात सारी हम नशीनी की चली थी, उस हम नशीनी ने उन्हें ऊंचा बना दिया कि कयामत तक कोई तबका भी अब सहाबा के बराबर दर्जा नहीं पाएगा। आप बात को समझे ना, इसलिए सहाबा कराम जिहाद भी करते थे मगर उनको टाइटल मुजाहिद का नहीं दिया, तहज्जुद पढ़ते थे मगर टाइटल मुतहज्जिदीन का नहीं दिया, आलिम थे मगर टाइटल उलमा का नहीं दिया, फुकहा थे मगर टाइटल फिका रखते थे मगर फुकहा का नहीं दिया, हदीसें बयान करते थे मगर टाइटल मुहद्दिस का नहीं दिया, कुरान की तफसीर बयान करते थे मगर टाइटल मुफस्सिर का नहीं दिए। ये सारे टाइटल बाद वालों को मिले, उनको न उनके इल्म की बुनियाद पर कोई टाइटल मिला, न रियाजत की बुनियाद पर, न जिहाद की बुनियाद पर, न तहज्जुद की बुनियाद पर, न फहम व फरासत की बुनियाद पर, न इल्म की बुनियाद पर, न तफक्को की बुनियाद पर, किसी सबब से उनका उनवान नहीं बनाया, उनको उनवान एक ही दिया और सारे उनवान गुम कर दिए। वो उनवान मिला सहाबी, सहाबी का माना मुस्तफ़ा की सोहबत में बैठने वाला, मुस्तफ़ा की सोहबत में बैठने वाला। तो गोया सोहबत के उनवान ने उनके सारे उनवान गुम कर दिए, सोहबत की पहचान ने उनकी सारी पहचानें गुम कर दी, सोहबत की शनाख्त ने सारी शनाख्तें गुम कर दी, सोहबत की एक फजीलत ने सारे फजाइल उसके अंदर गुम कर दिए। तो पता चला कि एक सोहबत कितनी बड़ी शय है, सोहबत कितनी बड़ी शय है। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम साहेब मकाम महमूद हुए, और जिनको हुजूर का फैज़ मिला उम्मत में वो मकाम मशहूद के मालिक हुए। ये साहिबान बरकत हैं, साहिबान मर्तबा हैं, इनकी सोहबत, इनकी मजलिस नशीनी, इनकी हम नशीनी, इनसे ताल्लुक़, इनसे रब्त, इनसे मोहब्बत, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनकी पैरवी, इनसे तमस्सुक, इनसे ताल्लुक, ये दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों का भी बायस है और सारी मारिफतों का भी बायस है और जुमला बरकतों और सआदतों का भी बायस है। जो लोग इस रब्त और ताल्लुक से महरूम रहते हैं और इसका फहम भी नहीं रखते,
बाकी सारा कुछ पढ़ते रहते हैं, वो धक्के खाते रहते हैं, राह हिदायत से महरूम रहते हैं। यु दिल्लो बही कसीरम वयहदी बही कसीरा, यही कुरान है, बहुत पढ़ने वालों को गुमराह कर देता है और बहुत पढ़ने वालों को हिदायत पर ले आता है। डिपेंड करता है कि किसने अपनी ज़मीन माली के ज़रिए कितनी अच्छी बना रखी है, कैसे बीज डलवा लिए हैं, तो जब ताकि बारिश आए कुरान के फैज़ की, हदीस और सुन्नत के फैज़ की, तौहीद के फैज़ की, रिसालत और नबुवत के फैज़ की, जब बारिश आए तो ज़मीन अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छी फसलें उगें। तो आज हम असहाब मशहूद के मुकाम के ऊपर बात को ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।